मार्कअप लैंग्वेज। सो व्हाट नाउ आपके दिमाग में जो एक सवाल आ रहा होगा कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या चीज है, तो इस बड़े से टेक्स्ट को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसमें जो हाइपर टेक्स्ट है ना, इसका मतलब होता है लिंक्स। ओके, जिस लिंक से आप अभी सेशन को ज्वाइन किए हो वो भी एक हाइपर टेक्स्ट ही है, क्योंकि वो भी एक लिंक है ना। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है वो है मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है भाई? तो मार्कअप लैंग्वेज मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसमें सेट ऑफ टैग्स होते हैं और जिसको यूज करके हम कुछ एक वेब पेज वगैरह बना सकते हैं, है ना। और जिस तरीके से हमें जो भी कंटेंट दिखाना है यूजर को, या फिर जो भी हमारा वेबसाइट विजिटर होगा उसको, उस कंटेंट को हम उस तरीके से जो स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीएफजी की वेबसाइट का एग्जाम्पल लें, तो जीएफजी की वेबसाइट में काफी सारे ऊपर नेविगेशन बार है, फिर उसके बाद उसमें मेन कंटेंट है, काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं, फुटर होता हैडर होता है ना, काफी सारी चीजें हैं उसमें, काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं यूजिंग ये जो मार्कअप लैंग्वेज होती है उसकी हेल्प से, तो उसे ही हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज एचटीएमएल इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है ना? जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, तो उसमें आपने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं हर एक चीज को, किसी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही एक मार्कअप लैंग्वेज जो होती है उसका जो स्टैंडर्ड है वो एक एचटीएमएल है, जिसको हम यूज करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए, है ना। जितनी भी वेबसाइट है अभी तक बनी हुई वो सारी एचटीएमएल की हेल्प से बनी गई है। अब एचटीएमएल का मेन मोटो क्या होता है और उसको यूज करके हम कर क्या सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो वो भी चीज हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है एचटीएमएल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अब ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने का क्या एग्जैक्ट मतलब है? मतलब यही है कि जैसे जैसे हमने अभी जीएफजी की वेबसाइट का एग्जाम्पल लिया था, उसी को लेकर चलते हैं। तो हम वहां पे देखते हैं कि काफी सारी नेविगेशन बार है, मतलब काफी सारी नहीं है, एक ही नेविगेशन बार है, उसके बाद एक साइड बार आ जाती है उसमें, उसके बाद एक मेन कंटेंट है, उसके बाद फुटर है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने अपने जगह पे फिक्स हो चुकी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर की गई है यूजिंग एचटीएमएल, है ना। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। अब ये जो पॉइंट है ये आप तब समझेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकली कोड करके दिखाऊंगा, अभी इसको विजुलाइज करवाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको ये पॉइंट तब बताऊंगा जब अपन कोडिंग करेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज एचटीएमएल एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, है ना। जैसे अगर मुझे कोई एक इमेज दिखानी है वेब पेज में, तो इमेज के लिए मैं इमेज टैग यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे पैराग्राफ दिखाना है तो मैं पैराग्राफ टैग यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ हेडिंग दिखानी है तो मैं हेडिंग टैग यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से किस तरीके से मुझे मेरा कंटेंट दिखाना है यूजर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल को। तो मुझे लगता है कि एचटीएमएल का जो आइडिया है इट्स क्लियर, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम जस्ट लर्निंग थेरी थेरी थेरी, हम प्रैक्टिकल करेंगे मोस्टली, क्योंकि यार प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो जो है सीखेंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको एक इंस्टॉलेशन करना है वीएस कोड का। वैसे तो आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, सबलाइम या जो भी आपको करना है, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा वीएस कोड ही करो, क्योंकि मैं भी वही यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले आपको इस लिंक पे चले जाना है, जो लिंक अभी चैट बॉक्स में शेयर होगी, हम शेयर करेंगे। तो ये लिंक पे अगर आप जाते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, मुझे मेरी विंडो स्क्रीन शेयर करने दीजिए, एक सेकेंड, हम शेयर करेंगे। तो ये लिंक पे अगर आप जाते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, मुझे मेरी विंडो स्क्रीन शेयर करने दीजिए, एक सेकेंड। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, विजिबल है। ओके, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आप इस वाले वेब पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे विंडोज के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उबंटू के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अवेलेबल है वीएस कोड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एक मैक यूजर है तो आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये एक बार बटन जो है अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो वीएस अपना वीएस कोड का इंस्टॉलर जो होता है उसकी जो exe फाइल होगी ना वो इंस्टॉल हो जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी बेसिकली। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो exe फाइल है ना उसको रन कर लेना है। अभी मैं एक्चुअली सारी प्रोसेस करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जो है वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट हम क्या करेंगे ना, आपको एक लिंक शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में, मीडियम का एक ब्लॉग है, उसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो आप उस लिंक को जो है फॉलो कर सकते हैं, उस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं, उसमें उन्होंने सब कुछ बताया कैसे करना है। वैसे बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको बस ऐसे डाउनलोड कर लेना है, exe को रन कर लेना है, उसके बाद आपको ना वहाँ पे वो एग्रीमेंट को जो है एग्री करने के लिए पूछेगा, तो बस आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 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 करके जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट। अब ये चीज़ें करने के बाद ना
आपका कुछ वीएस कोड इस तरीके से जो है खुल जाएगा, ये गेट स्टार्टेड जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको ओपन फोल्डर और कुछ और ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी ये फोल्डर ओपन किया इसलिए मुझे ये दिख रहा है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करना है, ठीक है। तो मेरा जो वीएस कोड है वो काफ़ी भरा भरा सा है, बिकॉज मैं बहुत सालों से इसको यूज़ करते आ रहा हूँ, तो आपने अभी अभी जस्ट इंस्टॉल किया होगा तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, खाली खाली दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है ना आपको, सबसे पहले आपको इस एक्सटेंशंस में जाना है। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जैसे आपने ये ब्राउजर यूज़ किया है, क्रोम यूज़ किया है, तो उसमें भी काफ़ी सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो कि हमें कुछ ना कुछ एक छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो उसी तरीके से वीएस कोड में भी एक्सटेंशंस होते हैं, ये एक्सटेंशंस हमें हेल्प करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं हमें, है ना। जैसे अगर मैं एचटीएमएल लिख रहा हूँ तो एचटीएमएल में मैं अगर टैग लिख रहा हूँ तो मुझे ऑटो कम्प्लीट चाहिए होगा, है ना। क्यों मैं इतने बड़े एंगुलर ब्रैकेट फिर ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे सब करते बैठूंगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे कोडिंग करने में। तो उसको हेल्प करने के लिए हमें एक्सटेंशंस होते हैं। तो आपको क्या करना है ना, एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन आता है, इसको ना इंस्टॉल कर लेना है। अब ये लाइव सर्वर क्या करता है और क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं ड्यूरिंग द कोडिंग बताने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइव सर्वर टाइप करके ना उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे तो ये एक्सटेंशन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन आएगा, यू जस्ट हैव टू टैप ऑन दैट एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड, ठीक है। इसके बाद एक एचटीएमएल स्निपेट करके भी आता है, ये हेल्प करेगा आपको जो अपने कोड जो टैग होंगे उसको ऑटो कम्प्लीट करने में वगैरह वगैरह। तो इसको भी डाउनलोड कर लेना है, ये वाला नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक स्ट्राइक थ्रू है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सटेंशन है वो डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब इसको अभी सपोर्ट नहीं किया जाता, हो सकता है ये कभी रिमूव हो जाए या फिर इसमें कोई अपडेट्स नहीं आने वाले। तो आप ये वाला कर लीजिएगा, सेकेंड जो फोर्थ नंबर का जो है वो HTML snippets, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको जो है फोल्डर को इस वीएस कोड में ओपन करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज रखने के लिए क्या कर लेना है ना, यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बना दिया है वेब विद GDSC का, आपको जो नाम देना है वो आप दे सकते हैं, और आपको एक फोल्डर जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। फिर इस फोल्डर को अगर मुझे वीएस कोड में ओपन करना है तो इसका मैं आपको बहुत ही कूल वे बताऊंगा, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता भी हो और बहुत से लोगों को पता ना भी हो। तो क्या करना है ना आपको, इस फोल्डर को जो अभी जस्ट अपन ने क्रिएट किया है उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो होता है ये एड्रेस बार है या फिर पाथ बार कह सकते हैं, जहाँ पे पूरा जहाँ पे जिस फोल्डर में अभी अपन है उसका पाथ वहाँ पे लिख के रहता है, ठीक है। तो इसमें ना आपको इसमें टैप करके आपको CMD लिख लेना है। CMD का क्या मतलब है, CMD का मतलब होता है कमांड लाइन, ठीक है, कमांड लाइन। जैसे पावर शेल होता है वैसे ही कमांड लाइन होता है, यहाँ पे अपन कुछ कमांड्स लिख सकते हैं, है ना, इसको CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। अभी ये क्या हो गया ना, जैसे ही मैंने वहाँ पे CMD लिख के एंटर मारा, इसने वो जो फोल्डर है ना WWGDSC जो था उसको ओपन कर लिया है इस कमांड लाइन टूल में, है ना। अभी मुझे इस फोल्डर को ना वीएस कोड में ओपन करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, बस लिखना है कोड स्पेस डॉट, ठीक है, ये स्पेस देना मत भूलिएगा वरना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कोड स्पेस डॉट अगर आप लिखेंगे और जैसे एंटर दबाएंगे ना, तो बूम, ये देखिए ये जो फोल्डर है ना ये यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसको अगर आपको ओपन करना है तो इसके और दो तरीके होते हैं, वैसे तो न्यूमरस तरीके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मैं आपको दो दो तरीके तीन तरीके दिखाई देता हूँ। जैसे ये फोल्डर था, है ना, इसको आपको राइट क्लिक कर लेना है। अब राइट क्लिक करते ही ना यहाँ पे आपको ओपन विथ वीएस कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा इसका मतलब यह है कि आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो वहाँ पे जो थर्ड स्क्रीन थी ना वहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस थे, उसमें एक ये वाला भी एक ऑप्शन था जिसमें बोला था कि ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगर आपने वो सेलेक्ट नहीं किया होगा तो ये नहीं आ रहा होगा। तो आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं जो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से भी आप अगर आप ओपन विथ वीएस कोड करेंगे तो ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब लास्ट तरीका मैं ये बताने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे फाइल का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे और ओपन फोल्डर अगर करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको पूरा फाइल मैनेजर खुल जाएगा। अब इस डेस्कटॉप में आपको वो फोल्डर ढूंढना है जिसको आपको ओपन करना है, ये रहा। तो इसको डायरेक्टली डबल टैप करके या फिर सेलेक्ट फोल्डर से भी आप ओपन कर सकते हैं। अब इसका एक और तरीका ऐसा कि आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना तो भी वो हो जाता है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका इंस्टॉल हो गया वीएस कोड और हो गया कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, चैट बॉक्स में बताइए आप। नहीं, नोड जेएस फिलहाल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नोड जेएस हम तब इंस्टॉल करेंगे जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम रिएक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, ब्राउजर जो होता है ना वो खुद ही इंटरप्रेट कर लेगा जावास्क्रिप्ट हमारे लिए,
अगर हमें लोकल में नोड जेस रन करना होता, मतलब जावास्क्रिप्ट रन करनी होती, तो तब हम नोड जेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ओके, ग्रेट। लाइव सर्वर के साथ आप HTML स्निपेट करके एक एक्सटेंशन आता है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे वो मैंडेटरी नहीं है, बट ठीक है, कर लेंगे तो अच्छा ही है, आपको इंटेलिजेंस आएगा टैग्स में। ओके, आई होप सबने, मुझे लगता है VS कोड इंस्टॉल कर लिया है, और जो मैंने चार तरीके बता दिए हैं ओपन करने के फोल्डर, वो भी आपने करके ओपन कर दिया होगा फोल्डर। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है, अभी देखो, ये जो HTML का हमारा लेक्चर है ना, इसको मैंने क्या किया ना, तीन पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट में मैं एकदम बेसिक बेसिक पढ़ाऊंगा, जिसमें जैसे फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह हो गया, स्ट्रक्चर क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट का, उसके बाद एंकर टैग क्या होता है, इमेजेस कैसे इम्बेड करनी है हमारे वेब पेजेस में, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें बेसिक में आ जाएगी। उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको क्या इंटरमीडिएट HTML के बारे में, और उसी के साथ साथ उसमें मैं आपको कैसे लेआउटिंग टैग्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, और इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें मैं उसमें पढ़ा रहूंगा। और थर्ड पार्ट, उसमें मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स, जैसे टेबल कैसे बनाना है, लिस्ट कैसे बनानी है। हाँ, इवन तो ये एडवांस में नहीं लगते टॉपिक्स, बट उसको मैंने एडवांस पार्ट में ही रखा है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म कैसे बनाना है, कैसे एक यूट्यूब वीडियो को अपने वेब पेज में इम्बेड करना है आई फ्रेम टैग की हेल्प से, तो ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम हमारे पार्ट वन से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कई बार बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, क्योंकि बहुत से लोग ये कंबाइनली बोल देते हैं, तो उन्हें समझ भी नहीं आता कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। हालांकि आपके बीच में बहुत से लोग होंगे जिन्हें इसका डिफरेंस पता ही होगा, बट फिर भी हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम देख सकते हैं कि पहला जो इमेज है जिसमें सारा स्केलेटन टाइप कुछ दिख रहा है और वो HTML है, और दूसरा जो है उसमें उसने कोट वगैरह पहन लिया, उसमें स्किन वगैरह हेयर वगैरह सब ऐड हो गया और वो HTML CSS बन गया, और जो थर्ड पार्ट है उसमें वो बोलने लग गया है ना, और मूवमेंट भी करने लग गया, तब आ गया जावास्क्रिप्ट। तो यही बेसिकली डिफरेंस होता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में। जैसे हमारी बॉडी का ढांचा जो होता है वो हड्डियों से बना होता है, तो वही HTML है। हम हमारे जो वेब पेज होता है ना, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML की हेल्प से, कि कहाँ पे नैवबार होगी और कहाँ पे साइड बार होगी, कहाँ पे फुटर होगा, कहाँ पे हेडर होगा, कहाँ पे मेन कंटेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम HTML की हेल्प से जो है स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड है CSS। अब CSS क्या करती है ना, हमारी जो बॉडी है, जैसे उसमें स्किन आ गया, उसके बाद हेयर्स हो गया, आईज, ये वो बाकी चीज़ें, तो इस तरीके से जो है वो स्टाइलिंग करने का काम वेबसाइट में वो करता है CSS। कलर लाना, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसको अच्छे से लेआउट करना है ना, ये सारी चीज़ें करने का काम जो है हमारा CSS करता है। उसके बाद हमारा जो वेबसाइट है उसको यूजर के साथ इंटरेक्टिव बनाना, कि अगर मैं कुछ, मेरे को नेविगेशन बार ओपन करना है, मैंने जो लाइक बार वाला ऑप्शन होता है उस पर जैसे टैप किया, तो मुझे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से या फिर कहीं से भी जहाँ से मैं चाहूँ वहाँ से मुझे एक नेविगेशन बार ओपन करना है या फिर कुछ एक अलर्ट पॉपअप करना है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे यूजर का इंटरेक्शन आ जाता है वो आता है जावास्क्रिप्ट की वजह से। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं, लेट मी सी द सिलेबस वंस अगेन। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बारे में है ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML को पढ़ने के लिए मैं सीधा यहाँ पे VS कोड में जाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं कमांड लाइन बंद कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये न्यू फाइल का ऑप्शन होता है, इसकी मदद से आपको न्यू फाइल बना देना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTM भी चलेगा, या फिर HTML भी अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों एक्सटेंशन वैलिड है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे HTML जैसा सिंबल बन चुका है, तो एक्चुअली इसका भी एक एक्सटेंशन होता है, तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत से एक्सटेंशन मिल जाएंगे आपको जो आपके प्रोग्रामिंग जर्नी को बहुत ईजी बना देंगे। तो सबसे पहले अभी मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा किस तरीके से मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा और पूरा का पूरा HTML का जो बेसिक कोड है, जो मिनिमल कोड होता है रिक्वायर्ड एक किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, वो यहाँ पे जो है दिख जाएगा। देखता हूँ, 1 सेकंड भी मुझे नहीं लगा और यहाँ पे जो है बेसिक कोड लिख के आ गया जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है एक वेब पेज को बनाने के लिए। अभी कैसे हुआ, ये होता है इमेज के हेल्प से, जो कि बाय डिफॉल्ट VS कोड के साथ भी आती है, इसके लिए हमें कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस कम बाय डिफॉल्ट विद द VS कोड। तो यहाँ पे ये जो है इमेट है, इमेट का मतलब वही होता है कि एक लाइक फंक्शन की तरह होता है। जैसे मैं इसको लिख के ट्रिगर करता हूँ तो क्या करता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क को रिप्लेस कर देता है प्री डिफाइंड कंटेंट के साथ, जो कि वो VS कोड ने खुद से ही जो है डिफाइन कर रखा है। तो जैसे मैंने एंटर मारा तो ये सब आ गया। अब इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे ये जो 3 लाइन है ना, ये फिलहाल तो अपने जरूर काम की नहीं है,
बट फिर भी मैं बता दूं, ये मेटा टैग्स है। मेटा टैग्स क्या करते हैं, वेबसाइट का जो मेटा डेटा होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप कोई गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक टॉपिक को सर्च करते हैं, जैसे अगर एरे सर्च कर रहे हैं, तो एरे के करस्पॉन्डिंग जितने भी रिजल्ट आ जाते हैं उसमें एक नीले कलर में जो टाइटल होता है, तो वो सब वो टाइटल जो है वो ये होता है, ये जो मैं टाइटल में लिखूंगा वो, और डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, वो मेटा टैग्स की हेल्प से आप लिखते हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे हमें दिखता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम जो है मेटा टैग्स की हेल्प से लिखते हैं। अब इसमें से ये दो तो मैं हटा दे रहा हूँ, इसका फिलहाल तो कोई काम नहीं है, बट ये जो है तीसरा वाला, इसको मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये एक्चुअली क्या करता है ना, हमारी जो वेबसाइट होती है ना इसको रिस्पॉन्सिव बनाने में हमें हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है वो, उसको हम सीएसएस के लेक्चर्स में हम थोड़ा देखेंगे। फिलहाल तो हम मूव करते हैं इस टाइटल टैग पे। ठीक है, अब जैसे अपन ने देखा कि ये एक एचटीएमएल के अंदर है सब कुछ, ये एक टैग है, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट होने के बाद ये लेवल वाइज जो है एक एक इंडेंट हो गया है। तो ये HTML पैरेंट एलिमेंट होता है, इसी के अंदर सब कुछ आता है। ठीक है, और फिर ये जो पहला लाइन है ना, जो डॉक टाइप HTML बोला है, इसका मतलब ये होता है कि हम HTML का 5 वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी HTML का जो है 5th वर्जन चालू है, पहले 4 था अभी 5 है। तो इस हमें ब्राउजर को बताना पड़ता है कि हम जो है HTML का 5th वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये जो है लिखना पड़ता है ना, ओपनिंग ब्रेसेस फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप स्पेस HTML। अब यहाँ पे HTML 5 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसा ही जो प्रीडिफाइंड एक्सटेंशन है हमें वही यूज करना होता है। ठीक है, अब इस HTML के दो सिबलिंग्स होते हैं, सॉरी चाइल्ड्स होते हैं, दो चाइल्ड्स, दिस वन इज फर्स्ट चाइल्ड एंड दिस इज अ सेकंड चाइल्ड। अब इसको मैं चाइल्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक पैरेंट एलिमेंट हो गया, क्यों, क्योंकि इसी के तो मतलब ये दोनों जो एलिमेंट्स है ये इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये दोनों चाइल्ड्स हो गए इस HTML के। ठीक है, और वैसे ही ये जो हेड टैग है और ये बॉडी टैग है, ये एक दूसरे के सिबलिंग्स हो गए, है ना, भाई भाई हो गए, क्योंकि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो हेड है इसके अंदर ये पहला लाइन का मैंने बता ही दिया कि ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है, इसको आपको कोई मगअप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बाद में वैसे भी डिटेल में बताऊंगा। अब ये जो टाइटल टैग है, ये जैसे मैंने बता दिया था कि अगर मैं कोई वेबसाइट ले लूँ, जैसे ये डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है ना यही तो है टाइटल। जैसे अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा, इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, आपको बस राइट क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे क्रोम डेवलपर टूल हम ओपन करने वाले, तो यहाँ पे एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो इससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट है F12, अगर आप अपने कीबोर्ड पर F12 दबाएंगे तो भी जो है ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी शुरू शुरू में अगर आप इसे पहली बार देख रहे हो तो काफ़ी हॉरिबल दिखता है कि क्या क्या बाप रे इतने सारे टैब्स है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है, ट्रस्ट मी। इसे धीरे धीरे अगर थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ना तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि टाइटल जो है वो कहाँ पे लिखे हैं। ये देखिए ये हेड टैग है, ये बॉडी टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये बॉडी टैग था, ये हेड टैग है, इसको मैंने ओपन किया, ये जो एरो है इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेटा टैग्स है ना, ये SEO के लिए काम आते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका जो रिजल्ट है उसको रैंक करने के लिए। तो यहाँ पे हमें टाइटल टैग ढूंढना पड़ेगा, ये देखिए ये रहा टाइटल टैग, तो इसमें जो जो लिखा है ना वही सब वहाँ पे लिख के आया है। अब इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे एडिट एज HTML मैंने किया, फिर इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ GDSC, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे GDSC लिख के आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये टाइटल काम करता है। अब इस डेवलपर टूल के बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, तो फिलहाल हम चलते हैं स्ट्रक्चर को फिर से एक बार अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, टाइटल तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यह है बॉडी टैग, इस बॉडी टैग के अंदर ही आपकी पूरी वेबसाइट आती है। जैसे कि अभी आपने देखा था यहाँ पे कि ये जो बॉडी टैग था उसी के अंदर सब कुछ था, हेड के अंदर तो सिर्फ मेटा डेटा था, है ना, ये देखिए सब कुछ इसके अंदर ही है बॉडी टैग के अंदर। तो ये होता है बॉडी टैग, इसके अंदर पूरी वेबसाइट हमारी आती है। अब हम चलते हैं हमारे PPT पे वापस, और नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, और एलिमेंट क्या होता है। अब ये चीज़ समझने के लिए हमें वापस VS कोड में ही जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं टैग क्या होता है वो तो वैसे भी अपन ने पता कर ही लिया है, बट फिर भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे बॉडी जो है ना, बॉडी एक टैग है, हेड एक टैग है, HTML एक टैग है, मेटा एक टैग है, टाइटल एक टैग है, ये सिर्फ टैग के नेम्स है। अब अगर मैं एलिमेंट बोलूंगा ना, तो एलिमेंट मतलब होता है अगर इस बॉडी के अंदर मैंने सपोज एक कुछ दे दिया, ऐसे ही दे रहा हूँ फिलहाल, तो इसके बारे में मैंने बताया नहीं पैराग्राफ टैग के बारे में, बट अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट हो गया मेरा, टैग अलॉन्ग विथ इट्स कंटेंट एंड इट्स क्लोजिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसका कंटेंट, ये मिला के एक एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, वैसे ही ये जो पैराग्राफ टैग है जो बॉडी का चाइल्ड है वो भी खुद में एक एलिमेंट है। ये देखो ये ओपनिंग, फिर ये कंटेंट और ये क्लोजिंग, तो ये खुद में एक एलिमेंट हो गया। अभी हम जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या करता है ना, हमें हेल्प करता है बिहेवियर जो है ना हमारे टैग का उसको चेंज करने के लिए।
जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसमें भी काफी सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको काफी सारे एट्रीब्यूट दिखेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इस पैराग्राफ टैग के, जो आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये काफी ऑन माउस डाउन, मतलब कि अगर आप माउस क्लिक करते हैं उस पैराग्राफ के ऊपर तो क्या होगा, है ना। ये काफी सारे यहाँ पे पैराग्राफ्स मिलेंगे, मतलब एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। तो पैराग्राफ टैग के तो वैसे कुछ एट्रीब्यूट खास होते नहीं है और ना ही हम यूज करते उसे, बट आईडी एंड क्लास जो है वो यूज करते हैं। आईडी एक एट्रीब्यूट होता है और क्लास एक एट्रीब्यूट होता है। तो इसके बारे में हम सीएसएस में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ के उसका कोई फायदा होने ही नहीं वाला है। थोड़ा बस फॉर्म हैंडलिंग में वगैरह थोड़ा काम आएगा अभी, बट उसको मैं तभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। अभी हम देखेंगे कि हेडिंग टैग्स क्या होता है और पैराग्राफ टैग क्या होता है ना। हेडिंग टैग क्या मतलब है इसका, है ना। तो पहले पीपीटी में जाते हैं, वहां पे देखते हैं। तो ये एक मैंने पोर्शन फ्रॉम विकिपीडिया ले रखा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी सारी हेडिंग्स है, जैसे हिस्ट्री एक हेडिंग हो गई है, डेवलपमेंट खुद में एक हेडिंग है, फिर ये एक पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है, तीन पैराग्राफ है। तो इस तरीके से हेडिंग और पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन से एक आर्टिकल बन जाता है ना। हम डॉक्यूमेंट अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पे काफी सारे मुझे पैराग्राफ्स लिखने पड़ सकते हैं और एक टाइटल देना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। अब हेडिंग टैग जो होते हैं वो एचटीएमएल में 6 लेवल के होते हैं, ठीक है। 6 लेवल के होते हैं, H1, H2, H3, H4 एंड H6, ठीक है, अप टिल H6 मतलब। तो यहाँ पे हम एक एक करके ना सबको देख लेते हैं कि किस तरीके से वो दिखते हैं। बेसिकली H1 जो है सबसे बड़ा होता है, फिर H2 उससे थोड़ा सा छोटा, फिर H3 जो है उससे थोड़ा सा छोटा, ऐसे करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उनकी जो पिक्सल्स होते हैं, साइज जो होता है ना, वो ऐसे वैरी करता है। अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, हो सकता है आपको पहले से पता हो कि किस तरीके से ये होता है, बट फिर भी मैं बताऊंगा। जैसे H1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I am H1। अब यार मुझे H1 से लिखना H6 और सारे टैग्स लिखना, मैनुअल करते बैठूंगा ना तो काफी टाइम लगेगा। जैसे अभी H1 लिख दिया, फिर H2, फिर यहाँ पे मैं H3 लिख रहा हूँ, H2 फिर H3 लिख रहा हूँ, ऐसे मुझे करने में काफी ज्यादा जो टाइम लगा। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको इसको जो है लिखना है। ये जो है, ये पहला मैंने H1 दे दिया। अब आपको ना इसको अगर इसी लाइन को डुप्लीकेट करना है बहुत बार, तो आप क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो अगर दबाएंगे ना, तो नीचे जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर अप एरो दबाओगे ना, तो अप अप साइड में डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही होता है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन में कर्सर रख लेना है जिस लाइन को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। फिर अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबाना है, ऐसा मुझे 6 बार करना है, क्योंकि 6 लेवल ऑफ H1 होता है 6, ठीक है। तो ये 6 बार मैंने इसको जो है डुप्लीकेट कर दिया। अभी अभी फिर एक दिक्कत आ गई कि यार मैं अगर इसको मैनुअली फिर 2 करूंगा, फिर यहाँ पे 2 करूंगा, ऐसे करूंगा तो भी मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। इसके लिए क्या करना, आप एक H1 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इससे क्या हो गया कि सारे H1 हाईलाइट हो गए, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट में H1 है ना, वो सारे के सारे हाईलाइट हो चुके। तो मैंने क्या किया, बस पहला H1 जो था उसको क्लिक कर लिया। अब क्या ना, मुझे क्या करना है, ये इसको इसको ये तीनों को, अगर H1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो फिर मैं डाउन एरो कर करके जो है सारे को एडिट कर सकता हूँ। तो मुझे भी वही करना है। मुझे क्या करना है, अभी इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है। तो मुझे बेसिकली नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ H1 को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे ना, कंट्रोल डी अगर दबाते हैं तो ये नेक्स्ट ऑकरेंस को सेलेक्ट कर लेता है ना। इस तरीके से मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी है ये। बेसिकली ये कोई पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, बट ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कोडिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी इसके वजह से। तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी दबा के जो है नेक्स्ट ऑकरेंस सेलेक्ट कर लिया। अच्छा शायद देख लेते, कोई अगर डाउट होंगे तो एक बार। अच्छा ओके, देर आर नो डाउट्स, तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है हमने सारे अक्रेंसेस ऑफ H1 को सेलेक्ट कर लिया। तो आपको क्या करना है, डाउन एरो दबाना है और इसको H2 बना देना है। फिर ऐसे ही आपको इसको H3 बना देना है, इसको आपको H4 बना देना है, इसको आपको H5 बना देना है और इसको H6 बना देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे H1 जो है जल्दी से, अभी तो मुझे काफी टाइम लगा है, बट अगर आप इससे जब यूज टू हो जाएंगे तो बहुत ही फास्ट फास्ट आप इसको कर सकेंगे। अब आपको क्या करना है ना, इस डॉक्यूमेंट को लाइव शेयर के साथ, लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेना है। लाइव शेयर नहीं, सॉरी, लाइव सर्वर के साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेना है। जो अपन ने एक्सटेंशन शुरू में इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर का, उसका मैं अब यूज बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर कर लीजिएगा। ये क्या करेगा ना, ब्राउजर में आपका वो जो वेब पेज है उसको ओपन कर लेगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से H1 का जो साइज है वो वैरी हो रहा है। जो H1 था वो सबसे बड़ा है, फिर H2 थोड़ा छोटा, फिर H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ये हेडिंग टैग्स हेल्प करते हैं हमें हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस। ओके, अब ये लाइव सर्वर का क्या फंडा है वो देख लेते हैं।
अब लाइव सर्वर का फंडा ये है कि अगर मैं लाइव सर्वर ना रखूँ, मतलब इंस्टॉल ना करूँ, और मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, जहाँ पे भी मेरी ये फाइल स्टोर्ड है वहाँ पे जाके उसको फिर डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्राउजर में ओपन होगी। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा ना, तो वहाँ पे जाके मुझे रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा 10 बार, जैसे जैसे चेंजेस करूंगा वैसे वहाँ वहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो वो एक दिक्कत वहाँ पे आ जाती है, 10 बार हमें रिफ्रेश करना पड़ जाता है। तो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ना लाइव लाइव सर्वर हमें हेल्प करता है। मैं जैसे यहाँ पे कुछ सेव करूंगा, जैसे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, S6 को मैंने डिलीट कर दिया, और अभी मैंने कुछ रिफ्रेश विफ्रेश नहीं किया, देखो यहाँ पे अपने आप से क्या हो गया ना, वो H6 हट गया, वो अपने आप से रिलोड कर लेता है, ठीक है, हमें यहाँ पे खुद से रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक फायदा होता है लाइव सर्वर का। तो आई होप आपको ये जो H1 वगैरह जो है हेडिंग टैग्स है, इसका तो डिफरेंस सब क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करेंगे ना, इसको मैं एक अलग से सेक्शन में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा कंटेंट भी सेपरेट रहे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि HTML में कमेंट कैसे देते हैं। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट ऐसे लाइंस होती है जो कि ब्राउजर के द्वारा इंटरप्रेट नहीं की जाती है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है, वो सिर्फ कोडर जो होता है ना या फिर जो रिव्यूअर होता है उसके यूज के लिए होता है, ताकि वो समझ सके कि नीचे दिया गया कोड का बॉक्स जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो कमेंट कैसे देना है, आपको ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट दे देना है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद आपको डबल डैशेस देने हैं। तो ये ऑटो कंप्लीट कर दिया मेरे इसमें तो किया, क्योंकि शायद मेरे इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। अगर आपके इसमें नहीं किया तो आपको क्या करना है, अब इतना तो आपने कर दिया था, इसको आपको फिर से 2 डैश दे के क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से आपका कमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडिंग्स, और इसको ही मैं डुप्लीकेट कर दूंगा यूजिंग अल्ट शिफ्ट बैक एरो, मतलब बॉटम एरो, और इसके बीच में वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है हेडिंग्स जो है ये हो गया। इसको वैसे कमेंट को आप एक शॉर्टकट भी है, जितना पार्ट कमेंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगर आप दबाएंगे दबाएंगे ना तो उतना पार्ट कमेंट हो जाएगा, देखो इस तरीके से। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया हेडिंग का। अब देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है, वैसे पैराग्राफ में देखने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं विकिपीडिया की साइट पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी सारे पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, तो इस तरीके से काफी सारे जो यहाँ पे पैराग्राफ्स है। फिर यहाँ पे एक हेडिंग है, ये तो बोल्ड होगा, ये एक हेडिंग हो गई, कंटेंट्स में जो लिखा है ये एक हेडिंग है। तो काफी सारे हेडिंग्स और पैराग्राफ्स यहाँ पे यूज हुए हैं। तो यही है पैराग्राफ, और कुछ नहीं है यहाँ पे ज्यादा पैराग्राफ में सीखने जैसा। अगर हमें वेबसाइट में पैराग्राफ बनाना है तो हम पैराग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे हम एक मैजिक देखेंगे कि किस तरीके से, अब इतना सारा जो है कंटेंट तो मैं लिखते नहीं बैठूंगा, है ना, या तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे फिलहाल के लिए डमी चाहिए ना तो यहाँ पे मैं लॉरेम लिखूंगा, और जैसे ही जितने मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए ना उतने मैं लिख लूंगा। जैसे मुझे अगर 20 वर्ड्स चाहिए तो मैं lorem 20 लिख के एंटर अगर करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे लिए एक टेक्स्ट बन के आ गया, मतलब एक पैराग्राफ काइंड ऑफ बन के आ गया जिसमें 20 टेक्स्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है। अभी ये देखो ये जो लाइन है ना ये ओवरफ्लो हो जा रही है, मतलब ये मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे यहीं पे रैप होके दिख जाए। तो आप क्या करेंगे ना, Alt Z अगर दबाएंगे, Alt Z, तो ये रैप कर देता है Alt Z से, ठीक है। और शायद ये यहाँ पे भी कहीं एक ऑप्शन होता है, थोड़ा एक्सप्लोर, ये देखिए वर्ड रैप का, यहाँ पे वैसे शॉर्टकट दिया है Alt Z, तो आपको Alt Z कर देना है तो उधर का कंटेंट इधर आ जाएगा। और मैं फिलहाल ये जो पैनल है ना ये बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसका अभी काम नहीं है, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिखे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने जो है पैराग्राफ बना दिया है। और एक ऐसा है कि अगर आपको काफी सारा बहुत बड़ा पैराग्राफ चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, मेरे को 2 लाइन चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर 2 करूंगा ना, तो 2 लाइन बन जाएगी, डमी लाइन्स, ठीक है। इस तरीके से 2 डमी लाइन्स बन गई, ठीक है, था ना ये एक्साइटिंग। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको मैं थोड़ा सा lorem 20 करके जो है यहाँ पे कमेंट कर दूंगा इसको, पैराग्राफ पैराग्राफ, ओके, ये पार्ट भी हो गया। अभी हम देखते हैं कि अभी हमें क्या पढ़ना है आगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। अब ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि ऐसे जैसे आप अगर आपने वर्ड यूज किया होगा या फिर लाइक PPT वगैरह यूज किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप कुछ कुछ टेक्स्ट होते हैं उसको बोल्ड कर सकते हो, कुछ को इटैलिक कर सकते हो, है ना, उसको लाइक इस तरीके से लिख सकते हो, सबस्क्रिप्ट या फिर सुपर स्क्रिप्ट में, अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है रिस्पेक्टिवली, तो आप उन चीजों को यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम HTML में भी कर सकते हैं, और वो हम करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स की हेल्प से। अब हम देखते हैं एक एक करके इन सारे टैग्स को, है ना, स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग, फिर इटैलिक टैग और इम्फेसाइज टैग, इन सब इन चारों को पहले देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट मार देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, है ना, इसको फिर डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग टैग लिख लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग,
अंदर में लिख लेता हूँ स्ट्रॉन्ग, तो इसको देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली दिख रहा है, मतलब बोल्ड दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, ये कहीं ना कहीं H6 के बराबर ही दिख रहा है, तो ये बोल्ड हो गया है ना। अभी बोल्ड बोल्ड जो टैग है ना उसको देख लेते हैं, बी लिखना है बस, बोल्ड ऐसा कोई ये नहीं है, टैग नहीं है, अगर आप बोल्ड लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ बी लिखो, और यहाँ पे लिख देते हैं बोल्ड, ठीक है, और यहाँ पे चलते देखते हैं। तो यार तुम लोग बोलोगे कि यार ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस ये है इम्पोर्टेंस का, है ना, मतलब ये है कि जो बोल्ड टैग है ये नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, जो कन्वेंशनल जो हमारा वर्ड डॉक होता है या फिर बाकी चीज़ें होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग का फायदा ये है कि जब हम टेक्स्ट टू स्पीच रीडर यूज़ करते हैं, है ना, एक्सेसिबिलिटी पर्पज़ के लिए, जो विजुअल इम्पेयर्ड पीपल होते हैं वो लोग जो टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो क्या करता है ना टेक्स्ट टू स्पीच रीडर इसको ज़्यादा इम्फेसाइज करता है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एज कम्पेयर टू दिस बोल्ड। इसको तो वो नॉर्मल ही पड़ेगा, बट इसको थोड़ा सा जो है वो एक इम्फेसाइज देता है, एक उसकी टोन चेंज हो जाती है, बस यही इतना ही फर्क है, बाकी तो इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वही फर्क जो है वो इटैलिक और अपना इम्फेसाइज करके एक टैग आता है उसमें है, तो इसको मैं इटैलिक लिख देता हूँ, और एक जो टैग है वो इम्फेसाइज है, इसको लिख देता हूँ इम्फेसाइज, ठीक है। तो ये दो टैग मेरे पास आ गए, इसमें भी देख लेते हैं, ये देखो ये इटैलिक है और ये इम्फेसाइज है, इसमें भी कोई खास फर्क तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, बस इसमें वही फर्क है कि जब हम टेक्स्ट टू स्पीच रीडर यूज करेंगे तो इम्फेसाइज वाले को जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच रीडर थोड़ा ज्यादा इम्फेसाइज देगा, उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, बट इटैलिक को वो नॉर्मली पड़ेगा जैसे टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बस इतना इसमें डिफरेंस होता है। अब इसके बाद और कौन से हैं, कोड, अगर मुझे वेबसाइट में मेरे कोड लिखना है, जैसे अगर आपन ने ये देखा होगा GFG वगैरह देखा होगा, तो उसमें काफ़ी सारे कोड्स के स्निपेट्स होते हैं जो बीच बीच में आपको दिखाई देते हैं, है ना, कोई क्वेश्चन अगर होगा तो उसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं ना, अपन कोड टैग यूज़ करते हैं, कोड टैग, और कोड टैग जैसे अगर मुझे यहाँ पे कुछ टैग मतलब लिखना है, जैसे फिलहाल तो मैं ऐसे कुछ भी डमी लिख देता हूँ फंक्शन, है ना, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ आप जावास्क्रिप्ट में वैसे भी पढ़ेंगे, तो इसको मैं जस्ट ऐसे ही डमी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे, तो यार यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गई, ये तो एक ही लाइन में आ रहा है, और ये कैसे दिख रहा है यार, मैंने लिखा कैसा था और ये दिख कैसे रहा है ना। तो ये चीज इसलिए हुई है क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या करता है ना HTML, वो जो स्पेसेस होते हैं जो तुमने इंडेंटेशन वगैरह सब डाला है, एंटर वगैरह डाला है, उसको सबको रिमूव कर देता है वो, है ना। बट हमें क्या चाहिए ना, हम चाहते हैं कि ये जो कोड मैंने जैसे लिखा है यूजर को भी वैसे ही दिखे पूरे इंडेंटेशन के साथ में, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं ना, प्री फॉर्मेट टैग आता है, तो प्री फॉर्मेटिंग टैग यूज करते हैं, ये उसको उसका सिंटैक्स है प्री, है ना, अगर आप प्री लिखोगे तो ये प्री फॉर्मेटिंग करता है, मतलब जो स्पेसेस होता है या फिर एंटर्स होते हैं ना, मतलब स्लैशंस, तो उसको प्रिजर्व करके रख देता है। ये बिल्कुल काइंड ऑफ जो जो C++ का स्लैशन वगैरह देते हैं, तो उस वे में लेता है उसको, है ना, और जो स्पेसेस और स्लैशंस होते हैं यानी कि एंटर्स होते हैं उसको इग्नोर करता है और उसको रिमूव नहीं करता। तो अगर अब मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस इंडेंटेशन के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो उसी इंडेंटेशन के साथ उसको दे रहा है ना। यहाँ पे देखो काफ़ी सारी स्पेस आ गई है, और इतनी स्पेस फिर यहाँ पे भी होगी, ये तीन तीन टैब जैसी जितनी स्पेस यहाँ पे, तो उतना ही उसने डिस्टेंस दे दिया। तो इस तरीके से हम प्री और कोड को कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं टू राइट द कोड, या फिर ऐसी कुछ चीज़ जिसमें मुझे इंडेंटेशन को रिमूव नहीं करना है ना, ये बस इसका जो है डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कीबोर्ड। जैसे अगर आप कोई भी साइट में जाते हैं जहाँ पे कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स लिखे है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कीबोर्ड का जो शॉर्टकट लिखा है ना वो थोड़ा सा अलग फॉन्ट में होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे नॉर्मल फॉन्ट्स है। जैसे ये वाला एक अलग फॉन्ट हो गया है ना, ये जो फॉन्ट था ये नॉर्मल टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है बाई डिफॉल्ट जो होता है, बट ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये कोड में भी थोड़ा डिफरेंट था, ये फीरा कोड फॉन्ट होता है जो नॉर्मली कोड के लिए यूज होता है, तो वैसे ही कुछ काइंड ऑफ ये फॉन्ट आ गया है। तो ये आता है KBD करके एक एट्रीब्यूट आता है, अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप यूजर को बताना चाहते हैं कि क्या शॉर्टकट्स होते हैं की के, है ना, विंडोज के जो शॉर्टकट होते हैं या फिर मैक के जो शॉर्टकट होते हैं वो अगर बताना चाहते हैं, तो आप KBD जो होता है ना टैग उसको यूज कर सकते हैं। KBD KBD मतलब होता है कीबोर्ड बस। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दू CTRL+C, मतलब ये कॉपी कॉपी का जो शॉर्टकट कमांड है, अगर मैं वो लिख दू यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से वो लिख के आएगा। इसका फॉन्ट काफी अलग है एज कम्पेयर टू ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इससे। तो ये सारी चीजें जरूरत ही क्यों है फिर, अगर ऐसा अलग से फॉन्ट आ रहा है, ये तो मैं CSS की हेल्प से भी डाल सकता हूँ, है ना। ये सारी चीजें इसीलिए काम आती है क्योंकि ब्राउजर क्या सॉरी ब्राउजर नहीं बट सर्च इंजिन जो होती है ना वो इसको यूज करती है,
ये सिमेंटिक्स सिमेंटिक प्रोवाइड करती है हमारा जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना वेब पेज में उसको। ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपकी वेबसाइट को रैंक कराते हैं। जब भी कोई यूजर सर्च करता है और रिलेवेंट डेटा अगर मिल जाता है तो आपकी वेबसाइट को वो अच्छे रैंक करेगा, है ना, सर्च रिजल्ट में। तो यही एक अच्छा होता है कि इसको आपको यूज करना है जितना हो सके। अभी इसके बाद वाला कौन सा है? इसके बाद वाला है बिग स्मॉल और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। वैसे ये वाली जो लाइन है ना ये कोई सेपरेट करने के लिए नहीं बनाई है मैंने यहाँ पे। ये जो है कि एचआर टैग है, एचआर टैग है मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। अगर मुझे कंटेंट्स को सेपरेट करना है तो मैं एचआर टैग यूज कर सकता हूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल रूल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रूल टैग है ना ये बेसिकली सेल्फ टैग है। आप देख रहे शुरू टैग हमेशा खत्म हो रहा है, ये टैग जो है शुरू हो गया और यहाँ पे वो खत्म भी हो रहा है। बट कुछ ऐसे टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ कंटेंट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखो ना आप, यही देख लो, ये जो एचआर टैग है इसमें क्या कोई कंटेंट है? बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई कंटेंट डालने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों इसमें जो है इसमें डबल मतलब इसको क्लोजिंग टैग भी दूं, है ना। तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं ना उसको इस तरीके से हम क्लोज कर देते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये एचटीएमएल में तो चल जाएगा, बट जब आप आगे जाके रिएक्ट जेएस पढ़ोगे ना तो उसमें ये कहीं ना कहीं वार्निंग देता है और शायद एरर भी देता है। तो आपको क्या करना है ना इसको इस तरीके से क्लोज कर देना है, सेल्फ क्लोजिंग। तो अगर इसको मैं सेव करूँ और यहाँ पे देखूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन बन गई है इस तरीके से। ये एक हॉरिजॉन्टल रूल है ना, हॉरिजॉन्टल रूल, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं। अब रूलर क्या होता है? ऐसी चीज जो सेपरेट करती है दो चीजों को, है ना, तो वो चीज है ये। अब इसके बाद हम देखेंगे सब बिग स्मॉल सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग्स के बारे में, ठीक है। तो बिग स्मॉल तो यार वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो बिग क्या होता होगा और स्मॉल क्या होता होगा। बिग मतलब ऐसा टैग मुझे जो बड़ा दिखाना है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दू GDSC और एक स्मॉल टैग बनाऊ, ओ सॉरी, यहाँ पे अगर एक स्मॉल टैग बनाओ और इसमें लिख दो GDSC, तो बस इन दोनों में यही फर्क आएगा कि जो बिग के अंदर है वो बड़ा दिखेगा और जो स्मॉल के अंदर है वो छोटा दिखेगा। बस यही इसमें फर्क होता है और ये मोस्टली यूज होता भी नहीं है, है ना। तो इसके बाद जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन लिखना है ना, जैसे H2O अगर लिखना है आपको या फिर O3 लिखना है, तो ये सारे जो ये होते हैं जिनमें सबस्क्रिप्ट आता है तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट नाम का जो एक ये होता है टैग, उसके हेल्प से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब इससे पहले मैं पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ ताकि ये एक डिफरेंट लाइन में आ जाए, है ना। ये पैराग्राफ टैग जो होता है ना एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। अभी ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है उसको हम सेकेंड सेक्शन में पढ़ ही रहे होंगे। तो फिलहाल एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ H, ना। अब यहाँ पे एक बार जाके देख लेते हैं PPT में कि कौन सा ऐसा वर्ड है मतलब कैरेक्टर है जिसको मुझे सब्सक्रिप्ट में देना है। हम देख सकते हैं कि टू है, टू को मुझे सब्सक्रिप्ट में देना है ना। तो जिस चीज को सब्सक्रिप्ट में देना है हम उसे सब करके एक एट्रीब्यूट ये होता है टैग उसके अंदर हम लिख देते हैं। जैसे H2, तो टू क्या करेगा सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा, और O, तो अगर मैं इसको देखूं ब्राउजर में ना तो ये इस तरीके से दिखेगा, सब्सक्रिप्ट में आ चुका है टू, H2O। तो मुझे लगता है ये तो समझ गया होगा आपको। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये है सुपरस्क्रिप्ट। इसमें भी आप एक पैराग्राफ बना लीजिए और इसमें अगर मुझे A² = B² ऐसा कुछ लिखना है तो मैं ए लिखूंगा, फिर टू जो है मुझे उसको सुपर स्क्रिप्ट में देना है मतलब पावर पे देना है। तो उसको ही सिर्फ मैं सुप करके जो एक टैग होता है उसके अंदर दे दूंगा ए, फिर टू यानी कि A² हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे देना प्लस, तो मैं प्लस नॉर्मली लिख दूंगा। तो A² + अगर मुझे बी लिखना है तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा, और फिर टू आ गया तो टू को मुझे फिर से सुपर स्क्रिप्ट में देना है। तो इसको मैं सुपर करके जो है इस तरीके से लिख दूंगा, तो A² + B² ऐसा कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा, देखो। तो बस इसमें इतना ही था, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है। अब इसमें बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं जैसे मार्क हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं BDI, है ना, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड BDO, सॉरी। तो बहुत सारे होते हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं W3 की वेबसाइट में जाके, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नीड आप उसको यूज कर सकते हैं। वाई डू प्रोग्रामर्स ऑलवेज मिक्स अप हेलोवीन एंड क्रिसमस? नाइस जोक। अरे कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? ओके नहीं है, वैसे इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो अभी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंकर टैग के बारे में, है ना। एंकर टैग के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा और बहुत से लोगों को तो पता भी होगा क्या है। जैसे अगर एक पेज, एक वेब पेज को मुझे दूसरे वेब पेज के साथ अगर कनेक्ट करना है तो उसमें हम एंकर टैग यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक पहला पेज है विकिपीडिया का जिसमें लॉग इन बटन है, तो इसमें मैं जैसे क्लिक करूँ तो मैं इस वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ओपन ही है, तो ये लॉग इन पेज पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये उसी पेज में रिलोड करके दूसरा पेज खोल रहा है,
तो इसी को हम बोलते हैं लाइक हम ट्रांजिट कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज में, तो ये सब करने के लिए हमें एंकर टैग हेल्प करता है। तो एक बार ट्राई करते हैं हम खुद भी करने का। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग खत्म हो गया, अब फिर मैं यहाँ पे एंकर टैग लिख देता हूँ, एंकर टैग। अब इस एंकर टैग को बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है, बस आपको इस तरीके से ए लिख लेना है और इसको क्लोज कर देना है। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है ना, हम तब अच्छे से देख नहीं पाए क्योंकि पैराग्राफ टैग में तो कोई खास एट्रीब्यूट होते नहीं है। तो एंकर टैग में ना एक एट्रीब्यूट होता है जो कि मैंडेटरी है, मतलब इसको नहीं दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा ढंग से। ढंग से क्या मतलब, कुछ भी नहीं काम करेगा। तो एचरेफ करके एक एट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब होता है हाइपर लिंक रेफरेंस, है ना, हाइपर लिंक रेफरेंस। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लिंक दे सकते हैं और वो क्या करेगा, जैसे ही इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे अबाउट अस लिख दिया फिलहाल के लिए डमी। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर कुछ लिंक दूँ तो क्या होगा कि इस अबाउट अस पे मैं अगर क्लिक करूँ तो वो मुझे उस लिंक पे लेके चला जाएगा। जैसे आप देखोगे तो अबाउट अस यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा अबाउट अस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होगा अभी, वो मुझे उसी पेज पे रखेगा क्योंकि मैंने लिंक दी ही नहीं है, है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिंक दे दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही जो विकीपीडिया ओपन है ना, इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ लॉग इन वाला पेज, और इसमें मैं चिपका देता हूँ यहाँ पे ऐसे। इसको चिपकाने के बाद क्या होगा कि अगर मैं अबाउट अस को क्लिक करूंगा यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो मुझे वहाँ पे लेके चले जाएगा लॉग इन पेज में। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ये जो एंकर टैग है वो काम करता है। बट अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, गिटअप दिया है और भी कई जो भी है सोशल मीडिया अदर हैंडल्स दिए हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि यूजर जो है वो इस पे क्लिक करके वही पेज रिलोड होके वहीं पे वो ओपन हो जाए। आप चाहेंगे कि नया टैब ओपन हो जाए उसके लिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक नया टैब ओपन हो जाए, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि यूजर भूलेगा नहीं कि वो आपके वेबसाइट पे था। अगर वो सोशल मीडिया पे चला जाएगा तो वहाँ पे इंगेज हो जाएगा वो, है ना, फिर वो सोशल मीडिया में लग जाएगा, वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं हम कि इस पे क्लिक करें तो एक नया टैब ही ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे टारगेट करके एक एट्रीब्यूट होता है जो जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे जो है चार ऑप्शंस है, या तो ब्लैंक, या तो पैरेंट, या तो सेल्फ और या तो टॉप। तो इसमें से हम देखते हैं कि पहले सेल्फ क्या होता है। अब सेल्फ जो है वो बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है, इसका मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट यही सेट होगा। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करेंगे, कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उसका सेल्फ ही होता है ना। इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे जाके इसको चलाऊँ तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो वहीं पे खोलेगा, है ना, जिस पेज में अपन थे वहीं पे वो उसको क्या कर देगा, पेज को खोल देगा। लेकिन मैं तो चाहता था कि मुझे नए वाले पेज में खोलना है, तो उसके लिए हम देंगे ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अगर मैं ये ब्लैंक एट्रीब्यूट दूँ ना, ये क्या करेगा, एक ब्लैंक टैब में खोलेगा उसको, मतलब नए टैब में, है ना। जैसे इसको मैंने बैक किया और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ये यहीं पे खुला, लगता है मैंने सेव नहीं किया, सेव तो कर दिया है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ओके एक बार रिलोड कर लेता हूँ। हाँ तो देखो इसने नया टैब ओपन किया है, नया टैब ओपन किया लॉगिन। तो इससे क्या हुआ कि आपका जो पोर्टफोलियो वेबसाइट वो देख रहा था वो प्रिजर्व रहेगा, और एक नया टैब खुल के वो उसमें फिर वो जो भी उसको करना है देखना है, आपका जो यूजर प्रोफाइल है वगैरह वो सब वो देख सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये टारगेट एट्रीब्यूट काम करता है। अब इसमें दो और होते हैं, एक होता है पैरेंट और एक होता है टॉप। अब ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप आई फ्रेम वगैरह सब पढ़ लोगे, क्योंकि वेबसाइट के अंदर भी एक और वेबसाइट इम्बेड कर सकते हैं। उस सिचुएशंस में क्या है ना, ये पैरेंट और टॉप तब काम आएंगे। तो इसको अभी एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि आप विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए मुझे आई फ्रेम वगैरह पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें समझ पाएंगे। तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में भी समझ गए होंगे आप, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हाँ इसमें एक चीज़ बतानी ये रह गई कि जैसे अभी ये जो यूआरएल है ना, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो यूआरएल है ये मेरे वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, ये कोई इंटरनेट पे पड़ी दूसरी वेबसाइट है जिसको जिसकी लिंक मैंने कॉपी करके यहाँ पे चिपकाई है। तो दैट मींस दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय वेबसाइट। तो इसीलिए ये है एब्सोल्यूट यूआरएल। दो तरीके के यूआरएल होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। तो ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट यूआरएल। अब एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटिव यूआरएल का, है ना। तो रिलेटिव यूआरएल में एग्जांपल में देना चाहूंगा एक नया पेज बना के, अगर मेरी वेबसाइट है उसमें दो तीन पेजेस है और उन तीन चार पेजों को, दो तीन पेजों को मुझे लिंक करना है एक दूसरे के साथ, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक अबाउट डॉट एचटीएमएल करके एक पेज बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी एक डमी कोड लिख देता हूँ, यहाँ पे एक H1 लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। तो ये एक पेज नया बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे ये जो होम पेज है ना, इसको उस अबाउट अस वाला जो पेज है उसके साथ लिंक करा दूं, तो तब उस केस में मैं क्या करूंगा ना, मैं एक रिलेटिव यूआरएल होता है उसको यूज करूंगा। अब रिलेटिव यूआरएल मतलब मेरे ही वेबसाइट के रिलेटिव कोई पेज होगा, उसका यूआरएल, उसका पाथ बेसिकली, है ना। तो
मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया एंकर टैग बना लिया मैंने। अब इस एचरेप में मैं एक रिलेटिव यूआरएल दूंगा। अब रिलेटिव यूआरएल यहाँ पे भी मैं अबाउट अस लिख देता हूँ, अबाउट अस, ठीक है। अब इसमें रिलेटिव अगर यूआरएल मुझे देना है तो या तो मैं डायरेक्टली ऐसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिख सकता हूँ, वैसे तो इंटेलिजेंस ही आ गया यहाँ पे, देख सकते हो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो वो ऐसे आ जाएगा। पर ऐसा करने का एक दिक्कत आ जाता है, क्योंकि अब आप जब वेबसाइट डिप्लॉय कर दोगे तो कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे दिक्कत आती है, वहाँ पे वो बोलता है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नॉट फाउंड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हमेशा टू बी ऑन अ सेफ साइड आपको यहाँ पे एक स्लैश दे देना है, फॉरवर्ड स्लैश। ये रिप्रेजेंट करता है मेरी करंट डायरेक्टरी को, मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू जी डी एस सी वाले डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है। तो उसी डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके कोई फाइल है उसको मतलब उसमें मुझे रिडायरेक्ट करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इससे क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे दो दो अबाउट अस बटन आ गई है। तो ये पहली वाली जो है वो मुझे विकिपीडिया के लेके जा रही है, जैसे आप देख सकते हैं टॉप सॉरी बॉटम राइट में आप देख सकते हैं लिंक दिख रही है मुझे वहाँ पे, है ना, ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में। उसके बाद ये वाली जो है मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लेके जा रही है। तो जैसे ही ओके, मैं गलती से जो है यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख लिया, मुझे अबाउट अस मतलब जो अबाउट है उसको लिखना था, अबाउट, ओके ग्रेट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके से जो है वो ट्रांजिशन होता है एक पेज से दूसरे पेज में। अभी ये जो है इसमें आप देखोगे कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, क्योंकि एक सिंगल सिंगल एप्लीकेशन नहीं है और ना ही मैं कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज कर रहा हूँ, मैं बेसिक सा एच टी एम एल यूज कर रहा हूँ। तो जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे तो ये बिना रिफ्रेश हुए ही आपका दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है, मतलब फ्रेमवर्क तो है ही नहीं, वो लाइब्रेरी है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको रिलेटिव यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, एचरेफ क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जो उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इमेजेस को कैसे एम्बेड करना है हमारे वेबसाइट में, इमेजेस कैसे डालना है। तो ये हो गया पहला वाला, इसको हटा देते हैं और इमेजेस का मैं अलग से सेक्शन बना लेता हूँ, इमेजेस, ओके। तो ये हो गया, अभी मुझे इमेज अपने वेबसाइट में लानी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईएमजी टैग, ठीक है, आईएमजी टैग। अब इसको मैं खुद से ही टाइप कर लेता हूँ, इंटेलिजेंस से नहीं। तो इस ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, क्योंकि इमेज के अंदर क्या ही लिखूँ ना मैं, मुझे तो बस एक इमेज चाहिए, तो वो खुद से आ जाएगी, और मुझे उसके अंदर इमेज के ऊपर या फिर उसके अंदर तो कुछ लिख नहीं सकता मैं, ऑब्वियसली बात है। तो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो इसमें पहला एट्रीब्यूट आता है एसआरसी एट्रीब्यूट। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, कौन सी इमेज है जो आपको दिखानी है यहाँ पे, है ना। तो इसमें भी दो तरीके के यूआरएल आ जाएंगे, जैसे अगर हो सकता है कि जो इमेज है वो आपके खुद के वेबसाइट के अंदर ही प्रेजेंट है, या फिर सेकेंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको कोई नेट से उठानी है इमेज। तो मैं नेट में चले जाता हूँ और ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे जी डी एस सी, वैसे जी डी एस सी की वेबसाइट खुल गई, सॉरी जी, जी डी एस सी, सॉरी, हाँ। तो जी डी एस सी का मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे इमेजेस में हम देखेंगे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो ये वाली इमेज मैं उठा रहा हूँ। हाँ, तो आपको क्या करना है, इस इमेज पे ना राइट क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कॉपी इमेज एड्रेस करके ऑप्शन आता है, तो इससे क्या होगा कि इस इमेज का जहाँ पे भी होस्टेड है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट उसकी लिंक मुझे मिल जाएगी, जिस लिंक की हेल्प से मैं उसको अपने वेब पेज में ला सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो हम देख सकते हैं ये क्लाउडिनरी पे होस्टेड है, और वहां से ये जो है लोगो डॉट पी एन जी जो है वो आने वाला है। तो इसको जैसे मैं सेव करूंगा ना और यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बाप रे इतनी बड़ी सी जो है ये इमेज आ चुकी है ना। कि बाय डिफॉल्ट कुछ भी साइज दे देता है उसको, शायद जो इमेज का नॉर्मल रिजोल्यूशन होता है बाय डिफॉल्ट वही देता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको विड्थ और हाइट खुद से सेट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे विड्थ, मैं विड्थ दे सकता हूँ, है ना। अगर मुझे विड्थ देनी है 300 पिक्सल, और फिर हाइट भी देनी है उसको 300 पिक्सल, तो इस तरीके से जो है मैं दे सकता हूँ। और फिर अब अगर मैं जाके देखूंगा तो हम देख सकते हैं इसका 300 बाय 300 का ये इमेज बन चुका है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है ना, ऐसा रिफर किया जाता है कि हाइट और विड्थ में से कोई एक ही चीज दो। ऐसा क्यों, अभी मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैंने विड्थ इसको 300 दे दी और हाइट जो है इसको 100 दे दिया, तो क्या होगा ना, यहाँ पे इसका पूरा रेजोल्यूशन खराब हो गया है ना, इसकी विड्थ काफी ज्यादा है और हाइट बहुत कम है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से कुछ एक ही दे देना है, जैसे हाइट या फिर विड्थ, कोई भी एक दे दो। तो क्या करेगा, एच टी एम एल इतना इंटेलिजेंस तो उसमें है कि वो खुद से ही उसका रेजोल्यूशन मेंटेन रखता है। अगर मैं विड्थ 300 पिक्सल रख रहा हूँ तो उसके जो एस्पेक्ट रेशो पहले था उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप से ही हाइट सेट कर लेता है। अभी देखेंगे तो डिस्टॉर्टेड हमें इमेज नहीं दिखेगी, नॉर्मल जैसी थी वैसे दिखेगी, है ना, स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हम इमेज को इम्बेड करते हैं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट यूआरएल से कैसे इमेज को लाना है वो चीज़। अभी मैं यहाँ से कोई एक इमेज उठा लेता हूँ, मेरे लोकल में पड़ी होगी, जैसे अपने वेब डेवलपमेंट का जो ये था पोस्टर,
कहा गया, ठीक है, कोई भी ठीक है, ये जो मीम है ये वाला ही उठा लेते हैं, कोई हरकत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ला सकता हूँ, है ना, या फिर आप मैनुअली जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक मीम है, ये वाला इमेज मेरे को जो है यूज़ करना है अपने HTML साइट में। तो इसको अगर मुझे लाना है तो मुझे लाना होगा रिलेटिव URL से। रिलेटिव URL क्या होते हैं? वही URL जो मेरे वेबसाइट में अगर कोई कंटेंट है उसी को यूज़ करना है मुझे, है ना, वेबसाइट का पार्ट है वो। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे वेब पेज में से मैं ला रहा हूँ। तो उस केस में हम रिलेटिव URL यूज़ करते हैं। तो मैं इमेज टैग लिख लूंगा और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इस तरीके से उसे बंद कर दूंगा। अब इसका भी फंडा बिल्कुल सेम है जैसे एंकर टैग का था। इसमें साल से एट्रीब्यूट मैंने दे दिया, और इसका पाथ मैं या तो सीधा इसको इसका जो है ना नेम में चेंज कर लेता हूँ, छोटा सा रखते तो IMG करके, है ना, ताकि यहाँ पे जल्दी से मैं लिख पाऊँ। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली IMG.JPG अगर लिखूँ तो भी मेरी इमेज जो है वो वहाँ पे आ जाएगी। ये बहुत बड़ी आ गई, इसको मैं फिर से एक बार विड्थ दे देता हूँ, कुछ भी विड्थ 300 या फिर 300 पिक्सल ही दे देते हैं। तो ये मैंने इसको दे दिया, तो ये छोटी सी जो है इमेज आ चुकी है। अब एक चीज़ इसमें और गौर करने वाली कि इमेज जो होता है ना वो इनलाइन होता है, मतलब यह है कि वो उतनी स्पेस लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड है। अब ये चीज़ें और डिटेल में हम वैसे भी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे ही, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बेसिकली। तो देखा आपने किस तरीके से एक रिलेटिव इमेज को अपने वेब पेज में लाना है। अब जैसे मैंने बताया था इसमें दिक्कत आती है कभी कभी अगर आप स्लैश नहीं देते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद में, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है इमेज के साथ। तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश दे दीजिएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डायरेक्टरी को, है ना, तो फिर भी ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने एक अलग से ऑर्गेनाइज करने के लिए इमेजेस नाम से फोल्डर बना दिया और उसके अंदर आपने ये जो इमेज है उसको डाल दिया इस तरीके से, तो अब उस इमेज को अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा ना तो यहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखिए कैसा सा एक आइकॉन दिख रहा है। ये मुझे JDBC वाली इमेज दिख रही है क्योंकि वो एक CDN से आ रही है, मतलब बेसिकली उसको वो एब्सोल्यूट URL से मैं ला रहा हूँ, है ना। तो मुझे क्या है ना, ये जो इमेज है यहाँ पे कुछ ऐसी सी दिख रही है। अब ऐसा इसलिए हुआ हो सकता है क्योंकि अगर आपने एक दूसरे वेबसाइट से इमेज यूज़ कर ली और वो इमेज ना जो ओनर था उसने डिलीट कर दी, अब डिलीट कर दी तो ऑब्वियसली क्या ही इमेज आएगी, है ना, तो उसकी जगह पे कुछ ऐसा सा दिखता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, एक अल्ट करके एक एट्रीब्यूट होता है इमेज में जो कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। जैसे ये जो इमेज थी वो शायद मीम इमेज थी, तो मैं इसको मीम इमेज ऐसे अल्टरनेटिव नेम दे सकता हूँ। अगर अभी मैं जाके देखूंगा ना तो वहाँ पे कुछ एक नेम भी दिखेगा, मीम इमेज। अब ये चीज़ हमें क्यों करनी है, अल्ट एट्रीब्यूट क्यों देना है, ये इसका रीज़न ये है कि यही वाला कि एक तो अगर आपने एब्सोल्यूट URL यूज़ किया है और इमेज जो है ओनर ने हटा दी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे नाम दिखेगा, ठीक है, ये बताने के लिए यूज़र को कि यहाँ पे एक इमेज थी जो कि मीम इमेज है। और ये दूसरा एक्सेसिबिलिटी के पर्पज से भी बहुत काम आती है, इन द सेंस कि अगर एक विजुअली इम्पर्ट बंदा है और वो स्क्रीन रीडर से जो है रीड कर रहा है स्क्रीन, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, अगर मैंने अल्ट एट्रीब्यूट नहीं दिया ना तो स्क्रीन रीडर इसको कुछ रीड ही नहीं करेगा, मतलब इमेज के बारे में कुछ बताएगा ही नहीं। लेकिन मैंने अल्ट एट्रीब्यूट अगर दिया है तो क्या होगा कि स्क्रीन रीडर मीम इमेज ऐसा पढ़ के सुनाएगा, तो वो एक उसका फायदा आ जाता है। तो अब ये जो इमेज इस फोल्डर के अंदर है ना उसको मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेज डॉट जेपीजी है, ये इमेज टैग क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे करंट डायरेक्टरी के अंदर जो इमेज डॉट जेपीजी करके फाइल है उसको दिखाऊंगा, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए करंट डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले बताना पड़ेगा यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर है ना, करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है जो कि ये है, उसके उसके अंदर इमेज डॉट जेपीजी करके एक लाइक फाइल है ना। तो उस तरीके से हमें बताना पड़ेगा। अब जो है ना हमारी इमेज दिख जाएगी, देख सकते हो इमेज हमारी जो है दिख गई। तो बस यही चीज होती है भाई कि रिलेटिव URL होता है और एब्सोल्यूट URL होता है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझ लेना है और कैसे उन्हें यूज करना है वही चीज आपको समझनी है, दैट्स इट। तो हमारा इमेजेस कवर हो गया, हमारा एंकर टैग कवर हो गया, इमेजेस में हमने रिलेटिव रिलेटिव URL क्या होता है, एब्सोल्यूट URL क्या होता है, विड्थ प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अभी हम इसको भी जो है बंद कर देते हैं और जो नेक्स्ट सेशन है मतलब नेक्स्ट पार्ट है उस पे चलते हैं। लेट्स गेट बैक टू PPT। तो यहाँ पे अभी जो है पार्ट 2, तो पार्ट 2 है। अभी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने बेसिक ऑफ HTML कवर कर लिया है। अभी हम पार्ट 2 में थोड़ा सा इंटरमीडिएट HTML और किस तरीके से पेज लेआउटिंग टैग्स वगैरह सब होता है वो सब देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखो ये जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी विड्थ ले लेता है ना, पूरी की पूरी विड्थ ले लेता है। और इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, उस एलिमेंट के अंदर जितना सा कंटेंट है वो उतना ही विड्थ लेता है।
जैसे कि जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है, इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे अगर मैं इस H1 टैग को देखूँ ना, H1 टैग ने पूरी विड्थ ले ली है, पूरी विड्थ ले ली है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर वो एक इनलाइन एलिमेंट होता तो ये वाला भी इसी लाइन में आ जाता है ना, ये सारे के सारे जो भी है ये सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसको मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा। ये मैंने इंस्पेक्ट किया और अगर इस पर मैं जाऊँ तो देखो, जैसे ही मैंने इस पर होवर किया तो हम देख सकते कि इसने पूरी विड्थ ले रखी है, पूरी विड्थ, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है ना। वैसे ही ये वाला H2, मतलब जितने भी हेडिंग है ना वो सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। वैसे ये पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसने भी पूरी फुल विड्थ ले रखी है ना। उसके बाद ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है ना, ये एक इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि इसने उतनी ही विड्थ ले रखी है जितनी उसको चाहिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अरे यार, ये जूम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अभी हो गया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग है, ये देखो, इसने उतनी ही विड्थ ली है जितना उसको चाहिए। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो ये आगे के जितने भी है ना ये सारे नीचे आ जाते उसके, बट वो सारे एक ही लाइन में, इसीलिए उनको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। वो जितनी ही उतनी जगह लेते हैं जितनी उनको जरूरत है। ये बोल्ड भी एक इनलाइन एलिमेंट है, इटैलिक भी एक इनलाइन एलिमेंट है, इम्फेसाइज भी एक इनलाइन एलिमेंट है। फिर हम आते हैं प्री टैग में, तो प्री टैग एक देख सकते हैं, प्री टैग जो है ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि उसने फुल विड्थ ले रखी है। वैसे ही ये कोड जो है ये इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि हम देख सकते हैं ये फुल विड्थ तो नहीं दिखा रहा है ना, यहाँ पे इसने इतनी ली जितना उसको जरूरत है, ये सारे स्पेसेस हो गए। और फिर ये उसका कोड का जो भी है तो वो एक इनलाइन हो गया। उसके बाद ये केबीडी, केबीडी भी एक इनलाइन एलिमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर ये इनलाइन है तो ये एचआर टैग जो है इसी के लाइन में क्यों नहीं आया, क्योंकि एचआर टैग तो ब्लॉक एलिमेंट है ना, एचआर टैग ब्लॉक है तो इसलिए उसने पूरी विड्थ ले रखी है, इसीलिए वो इसी लाइन में नहीं आया। ये इनलाइन है, ये ब्लॉक है, ये जो एचआर है ये ब्लॉक है, इसलिए इसने पूरी की पूरी विड्थ ले रखी है। ओके, उसके बाद ये जो बिग है स्मॉल है ये दोनों इनलाइन थे। फिर ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ किया था, आप देख सकते हैं ऊपर पर में लिखा है पैराग्राफ पी, तो इसलिए ये ब्लॉक है, इसने पूरी विड्थ ले रखी है। वैसे ही इसने भी पूरी ले रखी है विड्थ। और ये जो एंकर टैग है इसने भी, ये एक स्पैन एलिमेंट है, मतलब इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन नहीं, सॉरी, इसलिए इसने उतनी ही विड्थ ली है जितनी उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट का जो डिफरेंस है ना वो समझ आ चुका होगा कि क्या इनमें जो डिफरेंस होता है वो है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की लिस्ट हमारे पास है, जैसे एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, ये सारे जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। और एंकर टैग हो गया, अब्रीविएशन हो गया, बोल्ड हो गया, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड हो गया, बिग स्मॉल, ये सब जो है फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह, ये सब इनलाइन में आते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं सिमेंटिक्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। अब सिमेंटिक का मतलब क्या है? सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जिसको पढ़कर मैं समझ रहा हूँ कि वो चीज़ करती क्या है, उसको हम बोलेंगे सिमेंटिक टैग, है ना। जैसे अगर हेडर, हेडर टैग क्या है ना, उसको पढ़ के समझ रहा है मुझे कि भाई इसकी मदद से मैं कुछ एक हेडर वेडर बनाऊंगा। नैव टैग, नैव टैग को पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि मैं नेविगेशन बार बनाऊंगा। मेन से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे सारी मेन कंटेंट होगा वेबसाइट का। फूटर से मुझे पता चल रहा है कि ये फूटर बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरीके के जो टैग्स होते हैं ना उन्हें हम सिमेंटिक टैग कहते हैं। जैसे ये HTML4 था, ये HTML5 है। HTML4 में हमारे पास कोई सिमेंटिक टैग वगैरह थे नहीं, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे कि हम ड्यू को ही, ड्यू जो होता है अभी उसको पढ़ेंगे हम थोड़ा। ड्यू क्या होता है ना, बेसिकली डिवीजन, ड्यू का मतलब है डिवीजन टैग। उससे हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वेबसाइट में जाऊँ ना, तो यहाँ पे भी बहुत सी जगहों पे ड्यू यूज किया होगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे एक ड्यू टैग है। तो ड्यू टैग हमें हेल्प करता है अलग अलग डिविजन बनाने के लिए। लाइक इसको एक कंटेनर के तौर पर आप समझ सकते हो, है ना, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स। तो ड्यू, यहाँ पे एक ड्यू हो गया, फिर इसका इसका भी एक पेरेंट एक ड्यू है ना। ये बहुत सारे ड्यू होते हैं और ये ड्यू जो होता है एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी कि ये फुल विड्थ ले लेता है ना। तो अभी यहाँ पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये फुल विड्थ तो नहीं ले रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है, क्योंकि ये CSS की वजह से स्टाइल कर किया गया है ना, इसीलिए ये फुल विड्थ नहीं ले पा रहा है ना। तो फुल विड्थ लेना मतलब ऐसा नहीं कि पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रखी है, ऐसा नहीं। जो उसका पेरेंट है ना, उसकी जितनी विड्थ है ना, जैसे ये वाला जो डिव है इसकी विड्थ इतनी सी है ना, स्क्रीन के अराउंड 75%, 80% जो भी है उतनी है। इसीलिए इसके चाइल्ड को, चाइल्ड जो ड्यू है ना, उसने भी उतनी ही विड्थ ली है जितनी उसके पेरेंट ने ली है, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता, वरना वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। और स्पैन एक करके आता है। स्पैन एलिमेंट जो होता है, अगर मुझे इनलाइन एलिमेंट चाहिए, मतलब जैसे ये वाला देख लो, यहाँ पे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये अगर मुझे, ये तो वैसे लिंक्स है, बट अगर आपको ऐसे लाइन बाय लाइन लिखना है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो फॉर्मेटिंग में हमने लिखा था, जैसे हाँ, ये स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इटैलिक, इम्फेसाइज। तो अगर मैं इसको नॉर्मल टेक्स्ट में ही रखना चाहता हूँ और उसको एक लाइन में लेना चाहता हूँ, तो स्पैन एलिमेंट में यूज कर सकता था। इसको भी स्पैन में, इसको भी स्पैन में, इसको भी स्पैन में, और
जितने भी मुझे एक लाइन में रखना है उनको मैं स्पैन में रैप कर सकता था। तो यही होता है ड्यू और स्पैन। और मोस्टली क्या होगा ना, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे आपके वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड में, तो बहुत ही ज्यादा यूज होंगे, है ना। कोई भी अगर सेक्शन बनाना है तो ड्यू बहुत ज्यादा यूज होगा। अब आपको मुझे लगता है सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है ना, ड्यू क्या है, स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, और ड्यू कौन से टाइप का एलिमेंट है और स्पैन कौन से टाइप का एलिमेंट है, ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा और हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है पार्ट टू भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बस उतना ही था कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है वो जानना, क्योंकि वो यार बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपको। कोई भी अगर वेबसाइट बनानी है ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ड्यू और स्पैन दिखेंगे। स्पैन तो नहीं दिखेगा बट ड्यू बहुत ज्यादा दिखेगा। तो पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे लिस्ट क्या होती है, टेबल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है और आई फ्रेम क्या होता है। ये सारी चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग है और आई फ्रेम तो मेरा फेवरेट टैग है, उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी सबसे पहले हम लिस्ट से शुरू करते हैं कि लिस्ट क्या होता है। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो तरीके की लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब नाम से पता चल रहा है कि कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगी ये, है ना। जैसे देख पा रहे हो आप लैंग्वेजेस का मैंने लिस्ट बनाया है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर में है ना। जावास्क्रिप्ट है, फिर सी है, फिर सी प्लस प्लस है, तो इस तरीके से जो है ऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, नाम से पता चल रहा है भाई कि ऐसी लिस्ट जिसमें ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं होता, है ना। ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम लिख दिया, लिट कोड, कोडशेप, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड स्टूडियो एंड कोड फोर्सेस। तो इसमें कोई ऑर्डर ऑर्डर मैंने नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि मैं बस जस्ट लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। व्हाई वाज द जावास्क्रिप्ट डेवलपर सैड? ओके यार तुम लोग मीम मीम खेल रहे हो। तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में हमने देख लिया और ऑर्डर लिस्ट के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अब इनको ना प्रैक्टिकली हम बना के देखते हैं। एक्चुअली एचटीएमएल जो है एक बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट है सिखाने के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ आप एचटीएमएल नहीं सीखेंगे, बहुत सी गुड प्रैक्टिसेस वगैरह सब भी सीख रहे होंगे और शॉर्टकट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बताऊंगा तो वो आपकी कोडिंग की जो स्पीड है ना उसको फास्ट करेगा। तो हम लिस्ट बना के देखते हैं अभी। सबसे पहले बना के देखते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास टैग होता है ओ एल करके, एक टैग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, है ना। ओ एल का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर मुझे कुछ आइटम्स को लिस्ट डाउन करना है। जैसे मैं इसी का एग्जाम्पल लू तो लैंग्वेजेस है ये, जावा स्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, इन्हीं को मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। तो उसके लिए ना मैं एल आई टैग यूज करता हूँ। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम, है ना, लिस्ट आइटम। तो इससे मैं लिस्ट आइटम को कर सकता हूँ लिस्ट डाउन। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भूल जाते हैं कि ये टैग करता क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर होवर अगर करेंगे आप तो आपको एक एमडेन की रेफरेंस की लिंक मिलती है। अब इसमें शॉर्ट में लिखा रहता है कि ये है क्या, जैसे आप पढ़ सकते हैं द एल आई एलिमेंट रिप्रेजेंट अ लिस्ट आइटम इफ इट्स पैरेंट एलिमेंट इज एन ओ एल, यू एल और मेन एलिमेंट। तो इस तरीके से जो है आप थोड़ा बहुत इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले सकते हैं अगर आप भूल जाए, क्योंकि इतने सारे टैग है भाई कौन याद करते बैठेगा। मुझे तो याद नहीं रहते हैं, मैं तो या तो ऐसे ही रेफरेंस ले लेता हूँ कि ये करता क्या है वगैरह वगैरह, या फिर गूगल कर लेता हूँ, है ना। तो आपको भी वही चीज़ करनी है, याद तो कुछ भी नहीं रहने वाला है ना। एक बार में आपको याद नहीं होगा, सब प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एल आई टैग है। अब इस एल आई टैग में मैं लिख देता हूँ सी, फिर इसको ही डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, फिर इसको ही डुप्लीकेट करके लिख देता हूँ सी प्लस प्लस, और इसको डुप्लीकेट करके लिख देता हूँ जेएस। अब मैं इसमें एचटीएमएल नहीं लिखूंगा और ना ही मतलब सीएसएस लिखूंगा, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेजेस तो नहीं है, बस मार्कअप के लिए होती है और सीएसएस स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन के आ गई है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। एक बार देख लेते कैसे बनाया। एक ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग होता है, इसके अंदर आपको वो आइटम्स लिस्ट डाउन करने हैं जो आपको लिस्ट के आइटम के तौर पर देने हैं, दैट्स इट। ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए जैसे ओ एल था वैसे यू एल है, और यू एल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वही सेम चीज, लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जैसे लीट कोड हो गया, है ना, लीट कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं दे दिया कोड फोर्सेस, कोड फोर्सेस। उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया आपको कोड शेफ, ठीक है। जैसे मैंने तीन आइटम दे दिए, तो आप देखेंगे कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के तौर पर आ चुके हैं। अब इनके जो ये जो बुलेट्स है ना, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर सीएसएस का यूज करना होगा। जैसे स्टाइल जो टैग होता है ना, इससे आप इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हो, है ना। ये इसको आपको थोड़ा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी आप सीएसएस जब पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा आप पढ़ ही रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे
लिस्ट टाइल टाइप करके एक होता है लिस्ट टाइल टाइप, तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ए दे दूँ और देखते हैं अगर चेंज होता है, नहीं हुआ चेंज। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए दे के देखता हूँ एक बार, यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद कोई बग है। इसको मैं आई दे के देखता हूँ एक बार, ये भी नहीं हो रहा है चेंज। शायद इस पे ऐसा कोई एट्रीब्यूट होता है टाइप, हाँ तो यहाँ पे एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, इसके हेल्प से भी आप कर सकते हो। जैसे ये अगर मैं कैपिटल आई दे दूँ ना तो ये रोमन वे में मुझे दिखाएगा, बट पता नहीं है क्यों नहीं हो रहा है, कुछ सर्वर में दिक्कत है क्या। इसको हटा देते हैं फिर ट्राई करते हैं। हाँ तो अभी ये हो गया, वो स्टाइल मैंने दे दिया था शायद उसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो देखो एक रोमन ऑर्डर्ड वे में ये लिख के आ गया, सी पाइथन सी प्लस प्लस जे एस वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी एक टाइप होता है एट्रीब्यूट, तो इसमें भी शायद डिस्क स्क्वायर ऐसा कुछ रहता है। तो अगर डिस्क तो बाई डिफॉल्ट होता है, तो अगर स्क्वायर आप करेंगे तो शायद ब्लॉकिश जो है मतलब स्क्वेरिकल दिखेगा। ये देखो स्क्वायर स्क्वायर हो गया ये का बुलेट जो है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से ही इन लिस्ट को। तो अभी लिस्ट तो प्रिटी मच क्लियर होगा आपको, अभी देखते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं। ओ सॉरी, ये टेबल्स में मैंने गलती से यहाँ पे दे दिया, ये टेबल्स है। तो इस तरीके का टेबल हम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि एक टाइम टेबल काइंड ऑफ है। और यहाँ पे इसको हम बनाने से पहले देख लेते कि टेबल बनता कैसे है ना। हम देख सकते कि टेबल में कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं। अब ये सेल हो गया एक, है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो टेबल रोज कॉलम्स और सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। तो अब बाकी के जो सेल है वो तो नॉर्मली हमें लग रहा है कि जैसा नॉर्मल टेबल होता है वैसे ही है, बट ये जो सेल है ये वाला और ये वाला, ये जो चार सेल है इन्होंने ना इनको रो स्पैन कर रखा है, मतलब इन तीन रोज को स्पैन किया है। स्पैन मतलब कवर किया है ना। तो ये चीज कैसे करते हैं ये चीज भी हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और कोड करते सीधा। यहाँ पे मैं कमेंट मार देता हूँ टेबल करके और इसको ही डुप्लीकेट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिखना होता है हमें टेबल टैग, ये हो गया हमारा टेबल टैग, है ना। ये टेबल टैग के अंदर ही हम सब कुछ पूरा हमारा जो टेबल है उसका कंटेंट लिखेंगे। अब इस टेबल टैग के अंदर ना टी आर टैग होता है, जिसका मतलब होता है टेबल रो, है ना। जैसे ये टेबल होता है, हम कैसे बनाने वाले टेबल को, रो वाइज बनाएंगे, है ना, कॉलम वाइज नहीं बनाएंगे, रो वाइज बनाएंगे। मतलब पहले पूरी ये रो बना दी, फिर पूरी ये रो बना दी, फिर ये रो, फिर ये रो, इस तरीके से जो है रो वाइज हम टेबल को जो है बनाने वाले हैं। तो और यही वे होता है, मतलब एचटीएमएल नहीं ऐसे ही बनाया है टेबल को बनाने के लिए, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पहली रो बना बना के देखते हैं कि कैसे हमें ये रो बनानी है। एक्चुअली ये ना टी एच है, टी एच मतलब टेबल हेडिंग, है ना। इस इमेज से तो साफ साफ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो हेडिंग है ये जो है ये नॉर्मल एलिमेंट से यानी कि डेटा से डिफरेंट है। बट जनरली क्या होता है ना, ये जो होता है ये जो टेबल हेडिंग होती है वो बोल्ड होती है, और ये जो नॉर्मल होता है ये जो टेक्स्ट होता है डेटा वो नॉर्मल होता है, मतलब लाइट या फिर रेगुलर फॉन्ट में होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे टी आर टैग होता है टेबल रो, है ना। इससे हम पहली रो बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि पहली रो में क्या क्या चीज़ है। आईडी, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। आईडी, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। तो यहाँ पे मैं टी एच टैग का यूज करूंगा क्योंकि मुझे टेबल की हेडिंग बनानी है ना। अगर मैं टेबल का डेटा बनाता जैसे डेविड या फिर जो सीरियल नंबर 1 लिखता तो मैं टी डी टैग यूज करता, यानी कि टेबल डेटा, बट मुझे तो हेडिंग बनानी है तो मैं टी एच टैग यूज करूंगा, टी एच। अब इसमें मैं लिख दूंगा नंबर, नंबर ही था ना वो, आईडी था, सॉरी, आईडी, नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। तो ये आईडी हो गया, फिर इसको ही मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, फिर इसको ही डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ, फिर इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट हो गया और मार्क्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई बॉर्डर वॉर्डर नहीं आई है ना। यहाँ पे जो मुझे दिख तो रही है लिस्ट मतलब टेबल, बट इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें बॉर्डर अगर लाना है यहाँ पे, तो टेबल में ना एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम का, जिसमें हम पिक्सल्स में बता सकते हैं कि कितने पिक्सल की बॉर्डर मुझे चाहिए। तो अगर इसमें मैं बॉर्डर लिखूँ और मैं लिख दूँ 1 पिक्सल, मतलब 1 पिक्सल की मुझे बॉर्डर चाहिए, तो इतना लिखने मात्र से क्या होगा कि एक बॉर्डर बन जाएगी। बट यार ये कितना वियर्ड दिख रहा है ना, इसमें जो सेल है और उसके जो बॉर्डर है उसके बीच में कुछ ना कुछ एक पैडिंग सी ऐड हो गई है, और तो ये बहुत अजीब लग रही है। तो इसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, दो एट्रीब्यूट होते हैं जिनके लिए हमें इंटेलिजेंस नहीं मिलने वाला, यहाँ पे हमें वो याद करने पड़ेंगे। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग करके एक होता है, ये क्या करता है, ये जो सेल है
और जो अपना टेबल का ये जो बॉर्डर है इनके बीच में, इन सेल्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए वो डिफाइन करता है। मैं मुझे देखो इस तरीके का टेबल बनाना है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्स के बीच में और टेबल की जो बॉर्डर है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो मैं उसको जीरो कर दूंगा, मुझे कोई सेल स्पेसिंग नहीं चाहिए। और एक होता है सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग क्या करता है ना, जो सेल है उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जैसे ये तो सेल है इसमें आईडी है, अब इस आईडी का इस वाले उसकी जो बॉर्डर है ना उसके कंटेनर की उसके उससे कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा फ्री लगे, है ना, मतलब काफी ये कंजस्टेड सा लग रहा है, तो मुझे आईडी और उसकी जो बॉर्डर से उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो वो चीज करने के लिए हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं। तो क्या होगा कि हर एक सेल में उतनी पैडिंग डल दी जाएगी। ठीक है, मैं 10 पिक्सल की दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 10 पिक्सल अगर मैं करूँ तो देखते हैं। देखो तो ये जो कंटेंट था और उसका सेल सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग ने क्या किया कि ये जो सेल है उसका डिस्टेंस उसके टेबल के बॉर्डर से और उसके जो कलीग्स हैं मतलब सब सिबलिंग जो टेबल हेडिंग्स है उनसे क्या कर दिया उसने, जो पैडिंग है वो कम कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि मैंने जीरो सेट कर दिया। और सेल पैडिंग ने क्या किया कि ये जो कंटेंट है उसको डिस्टेंस दे दिया 10 पिक्सल का, है ना, इस वाले बॉर्डर से। अब ये 10 पिक्सल ही है क्या या फिर नहीं है, ये सारी चीजें हम सीएसएस में पढ़ेंगे जब हम बॉक्स मॉडल वगैरह सब कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 पिक्सल का पैडिंग दे दिया, तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है टेबल। अभी इसको हम थोड़ा फर्दर बनाते आगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये जो है ये दोनों सेल ने क्या किया है, तीन रोज को स्पैन कर लिया है, तीन रोज को। क्यों तीन रोज, क्योंकि ये एक रो हो गया, ये दो रो हो गया, ये तीन रो हो गया, तो इन्होंने ये तीन रोज को स्पैन किया है मतलब कवर कर रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इन दोनों सेल को जो रो स्पैन होता है मतलब कितनी रो स्पैन करनी है वो उसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है, उसमें हम तीन डाल देंगे क्योंकि ये तीन रोज को स्पैन कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे करना है हम देख लेते एक बार। तो ये मैं दूसरी रो बना रहा हूँ, है ना, दूसरी रो में दो ऐसे आइटम है जिन्होंने तीन रोज को स्पैन किया है, ये एक आइटम है ये एक आइटम है, इन्होंने तीन रोज को स्पैन किया है। तो इससे मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे अभी मैं टीडी यूज करूंगा, अभी मैं टीएच नहीं यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं टेबल हेडिंग नहीं बना रहा हूँ, मैं टेबल का डेटा बना रहा हूँ, है ना। तो मैं टीडी लिख दिया, उसके बाद आईडी हो गई 1, है ना, देख लेते एक बार डेटा क्या है, 1 डेविड मैथ्स 80। अब ये पहली रो है हमारी, है ना, मतलब अगर हेडिंग को अगर पहली रो ना माने जीरोथ रो मान लेते हैं तो ये हमारी पहली रो हो गई, है ना, मैथ्स और 80 वाली पहली रो, फिर फिजिक्स और 90 वाली जो सेकेंड रो, फिर कंप्यूटर कंप्यूटर्स एंड 70 वाली जो है वो थर्ड रो। तो इस तरीके से ये तीन रोज है। तो मैं पहली रो बना रहा हूँ, तो पहली रो में मेरे पास क्या क्या है, 1 डेविड मैथ्स एंड 80। ठीक है, 1 डेविड मैथ्स एंड 80, तो 1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैथ्स, फिर 1, अच्छा डेविड रह गया भाई, डेविड गुस्सा हो जाएगा, डेविड मैथ्स एंड फिर 80, मैथ्स में डेविड को 80 मार्क्स है, पर बंदा है भाई ये। तो ये मेरी पहली रो जो है बन चुकी है, पहली रो बन चुकी है। अभी एज सच यहाँ पे मुझे कुछ एक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फर्क मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं बनाऊंगा सेकेंड रो, अभी फर्क दिखेगा। अब सेकेंड रो में मैं जो है यहाँ पे मैं सेकेंड रो बना देता हूँ, टी आर टैग यूज करूंगा। तो ये मेरी हो गई सेकेंड रो, इसमें फिर से मैं 1 और डेविड स्पेसिफाई नहीं करूंगा। क्यों, ऐसा क्यों, मैं 1 डेविड फिर से क्यों स्पेसिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि यार वो मेरे कहीं ना कहीं फर्स्ट रो का ही हिस्सा है और वो तीन रोज को स्पैन करने वाला है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा ना, ये सेकंड रो में से यही दो एलिमेंट स्पेसिफाई करूंगा, फिर ये दो एलिमेंट स्पेसिफाई करूंगा थर्ड रो में। ठीक है, तो ऐसा करने से अब क्या होता है ना, आप ही देखिए जरा मैजिक क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने टीडी कर दिया और यहाँ पे मैंने 1 डेविड छोड़ के फिजिक्स था और शायद 90 था ना, फिजिक्स और 90, फिर कंप्यूटर साइंस एंड 70, उसको हम देखते बाद में, पहले इतना मैं लिख लेता हूँ, फिजिक्स और यहाँ पे मार्क्स उसके थे 90। तो इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ कि क्या बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ चुका है फिजिक्स, और जो 90 जो था वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वो तो यहाँ पे चाहिए था ना। इसने जो है रो स्पैन मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। मुझे यहाँ पे 1 और डेविड जो है दोनों को रो स्पैन स्पेसिफाई करना चाहिए था। तो अभी देखो मैं रो स्पैन उसको स्पेसिफाई करता हूँ, ये 1 को और डेविड को। अब इन दोनों को ही मैं रो स्पैन क्यों क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि यही दो ऐसे कॉलम और सेल है जो कि तीन रोज को स्पैन कर रहे हैं, है ना। अब मैं मैथ को तो स्पेसिफाई नहीं करूंगा क्योंकि उसने तो कोई किसी को स्पैन ही नहीं किया है, बस 1 और डेविड को मैं स्पेसिफाई करूंगा रो स्पैन। ठीक है, तो मैं मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी यूज करूंगा। कैसे, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मैंने रखा है उसको तो वहीं पे रहने दो, और अल्ट की दबाओ, और जहाँ पे अभी और कर्सर आपको चाहिए तो उस पे आप क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। जैसे मुझे इसके नीचे ही चाहिए था तो मैंने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, तो ऐसे मेरे पास दो कर्सर आ गए।
अब मैं दोनों को साथ में लिख सकता हूँ, रो स्पैन थ्री, ना इतना करने मात्रा से क्या हो जाएगा देखते हैं। देखो अभी इसने ये, क्योंकि मेरे पास दो ही रो है ना स्पैन करने के लिए, तो वन और डेविड ने दो रो स्पैन कर लिया। अब जैसे ही मैं तीसरी रो भी ऐड करूंगा ना, तो वन और डेविड उसको भी स्पैन कर लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने उसको रो स्पैन तीन स्पेसिफाई किया है, इसीलिए। तो तीसरी रो भी बना, तो ये मैंने टी आर टैग डाल दिया यहाँ पे, और फिर टी टैग दे दिया, और उसमें शायद कंप्यूटर है, कंप्यूटर, और उसमें भाई को थोड़े 70 मार्क्स है, पढ़ाई नहीं किया होगा, या फिर जीडीएससी का पेपर जीडीएससी अटेंड नहीं किया होगा। तो यहाँ पे देखते अभी, तो देखो इसने वन और डेविड जो है उसने स्पैन कर लिया, तीनों को स्पैन कर लिया। अगर एक और रो में डालूंगा ना, तब वो स्पैन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको रो स्पैन तीन ही दिया था। और अगर इसको मैं दो कर दूँ, तो वो तीसरी रो जो मैंने जस्ट ऐड किया उसको भी स्पैन नहीं करेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, इसने दो को स्पैन किया, तो जितना मैं वहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा ना, वो उतने ही रोज को स्पैन करेगा। तो कुछ ऐसा ही हमें चाहिए था। अभी तक हमने पहला तो बना लिया है, ये पहला वाला तो बना दिया है। अब हम ये सेकंड वाला बनाते हैं, तो सेकंड वाले के लिए भी आप इसको सीधा कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं, बट मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करना है। तो अब ये जैसे हमने पहला वाला बनाया था, वैसे ही इसको बनाना पड़ेगा। तो मैं बना देता हूँ टीडी, और इसमें टू और एलेक्स नाम है शायद उसका, एलेक्स, ठीक है। तो इसमें मैं टू लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलेक्स, ठीक है। अब इसके बाद और है, क्या है, मैथ्स है शायद, देख लेता हूँ एक बार। मैथ्स में 80 है, फिजिक्स में 70 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैथ्स, उसके जो मार्क्स है उसको वो है 80, तो वो लिख दिया मैंने। तो अब देखते हैं कि क्या हाल हो गया हमारे टेबल का। तो ये एक नई रो बन चुकी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये वन और डेबिट ने तो तीन रोज को स्पैन कर लिया। अब हमने एक नई रो बनाई है, और ना ही हमने इसको रो स्पैन स्पेसिफाई किया है। अगर करते भी तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने हमारे पास और रो स्पैन करने के लिए है ही नहीं। जब जब स्पैन करने के लिए रोज एग्जिस्ट करेगी, तभी स्पैनिंग होगी, ठीक है। तो ये मैंने दो दे दिए हैं। अभी इसके बाद और दो कॉलम्स मुझे बनानी है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, जो ये दो जो है ना, ऐसे ही मुझे सेम बनाने हैं, क्योंकि मैं फिर से टू और एलेक्स स्पेसिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तीन रोज को स्पैन करने ही वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे टीडी दे दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स, उसके बाद यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं रैंडमली, मैं दे रहा हूँ अभी 70, और एक और रो बना देता हूँ, है ना, क्योंकि तीन रोज को स्पैन करवाना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर, और एक और टी डी में लिख देता हूँ, इसको 90 दे देते हैं। तो अभी देखो ये हमारा टेबल जो है बन चुका होता, अगर मैं इसको रो स्पैन स्पेसिफाई करता। मैंने अभी तक किया नहीं है रो स्पैन स्पेसिफाई, इसलिए जो है ये फिर से वैसा ही हो गया। तो मुझे क्या करना है ना, जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे रो स्पैन थ्री कर देना है, रो स्पैन थ्री। अब देखो हमारा जो टेबल हम चाहते थे वो बन चुका है ना, ऐसा ही तो चाहते थे हम। भले इसकी विड्थ वगैरह वो सब ठीक नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, उसको आप पैडिंग वगैरह से सब कर सकते हो, लेकिन ऐसा ही हमें टेबल बनाना था। तो यहाँ तक मुझे लगता है टेबल कैसे बनाना है, कैसे रो स्पैन काम करता है, कैसे कॉल स्पैन काम करता है। अभी कॉल स्पैन तो मैंने बताया नहीं है, बट कॉल स्पैन भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर ये सब्जेक्ट वाली हेडिंग है, मैं चाहता हूँ कि ये मार्क्स वाली हेडिंग एग्जिस्ट ही ना करे, और ये सब्जेक्ट वाली हेडिंग इन दोनों कॉलम्स को स्पैन कर ले, ये एक कॉलम है और ये कॉलम है, उनको जो है स्पैन कर ले। तो उसको भी मैं कर सकता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ पे, ये रहा सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए ही नहीं। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूँ या डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया। और इसको जो है ना, इसको मैं सिर्फ कॉल स्पैन जो है ना इसका, उसको दो कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये दोनों कॉलम को स्पैन कर देगा। देखो सब्जेक्ट आ गया, और इसमें स्लैश मार्क्स वगैरह आप सब लिख सकते हो, मैं जैसे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ। तो इसने दोनों कॉलम को क्या कर लिया, स्पैन कर लिया। तो इस तरीके से जो है वो कॉल स्पैन रो स्पैन वर्क करता है, और आप टेबल्स बना सकते हैं अपने एचटीएमएल के वेब पेज में। अगर आपको कुछ सिटीज लिस्ट करनी है, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट यूज दिखाना है यूजर को जो कि एक टेबल में ही दिखाया जा सकता है, तब आप टेबल बना सकते हो। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है फॉर्म बनाना। अभी मैंने यहाँ पे गलती से टेबल्स ही लिख दिया है, बट ये फॉर्म से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है एचटीएमएल का, और उसमें फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे ये डमी फॉर्म मैंने यहाँ पे इमेज चिपका रखा है, इसको देखते हैं एक बार। तो फॉर्म क्या होता है ना, फॉर्म ऐसी चीज होती है जिसकी हेल्प से हम यूजर से कुछ इनपुट ले सकते हैं। वो हो सकता है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, हो सकता है एक फीडबैक फॉर्म, या फिर कोई भी डिफरेंट तरीके का और एक फॉर्म। जैसे आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, तो वहां पे भी काफी सारे इनपुट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सैल्यूटेशन हो गया, मिस्टर मिसेस जो भी है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ईमेल, बर्थ डेट, फिर एड्रेस। तो ये सारी चीजें आप फिल करते हो, फिर सबमिट बटन दबाते हो, और आपका डेटा जो है वो बैकएंड में जाके वहां पे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये सारी चीज होती है फॉर्म की हेल्प से। तो
तो हम ट्राई करते हैं कि सेम टू सेम फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, ये सल्यूटेशन को थोड़ा एंड में डाल दूंगा, क्योंकि ये समझने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो पहले अपन ये टेक्स्ट, ये जो है ना, ये इनपुट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नेम, ये वाला इनपुट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल का मैंने कमेंट दे दिया, अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ फॉर्म। ओके, तो ये रहा मेरा फॉर्म, इसको मैंने डुप्लीकेट करके ऐसा एक सेक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देते हैं फॉर्म टैग, है ना। ये फॉर्म टैग दे दिया, अब इसने मुझे बाय डिफॉल्ट एक्शन एट्रीब्यूट दे दिया है, हालांकि मुझे इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब फिर भी मैं बताता हूँ कि एक्शन करता क्या है। एक्शन क्या करता है, जैसे अगर आप PHP जैसा कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी मैं इनपुट ये वो सब स्पेसिफाई करूंगा, और वो डिटेल जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी पेज मेंशन होगा ना PHP का, तो वो सारा डेटा गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से वहाँ पे चले जाएगा। अब ये गेट रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप तब सीख ही रहे होंगे जब आप लाइक API वगैरह सब कॉल कर रहे होंगे रिएक्ट में, तो तब देखेंगे, या फिर आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसको क्या कर सकते हैं आप, कोई भी एक PHP का मैं ऐसे ही दे रहा हूँ जो कि मेरे पास एग्जिस्ट भी नहीं करता, action.php ऐसे दे रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करता ये, है ना। अगर सबमिट करूँगा ना तो मुझे एरर आएगा, बोलेगा कि ये फाउंड ही नहीं है, कैन नॉट फाउंड। तो ये इसलिए होता है, आई होप ये समझ गया होगा, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आप इनपुट यहाँ पे दे दिए, वो सारा डेटा डाल दिए और सबमिट करते ही क्या होगा ना, जितना भी आपका डेटा है, जितना भी आपका रिस्पॉन्स है, आपका नेम हो गया, आपका ईमेल होगा, जो भी फील्ड्स मेंशन थी, वो सारा डेटा जो है ना उस action.php फाइल को दे दिया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। फिर ये action.php फाइल क्या करेगी, वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी और वो सारा डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर कर देगी। फिर वो कोई भी डेटाबेस हो सकता है जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्म हैंडलिंग का प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट टेक्स्ट का, है ना। ये बाय डिफॉल्ट ये इसने टेक्स्ट दे दिया है, बस आपको कैसे करना है, ये इनपुट है। अब ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इनपुट के अंदर जो है वैल्यू लिखते हैं जो कि यूजर टाइप करता है। आपको कोई प्रीडिफाइंड वैल्यू देनी है तो आप दे सकते हैं, बट ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब ये एक सिंगल टैग है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप, मतलब किस टाइप का इनपुट आपको देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे टाइप के है ना, बटन है, चेकबॉक्स है, कलर है, डेट है, डेट टाइम है, बहुत सारे होते हैं, है ना। डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट, तो ये मैंने अब यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट। अब इसको मैं सेव करके ना देख लेता हूँ कि ब्राउजर में कैसे दिख रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ, है ना, इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अभी मैं एक सेकंड ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंट, ये जो ये अपना इनपुट है ना, ये टेबल के साथ काफ़ी ज़्यादा चिपक गया है, इसको थोड़ा सा अपने को ना नीचे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, BR टैग यूज़ करेंगे। BR टैग का मतलब होता है जैसे आप HTML सॉरी C++ या फिर C लैंग्वेज में स्लैशन देते हैं ना, स्लैशन क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह काम करता है, वही जो है BR टैग है, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे BR दे सकता हूँ इस तरीके से, हम देते हैं, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो जैसे अगर मैं दो तीन BR दूँ तो ये क्या करेगा, उसको नीचे कर देगा। तो यहाँ पे BR है, इस तरीके से ये नीचे आ गया, तो यही मुझे चाहिए भी था। तो ये मेरा टेक्स्ट बन गया। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी साइट्स ऐसी होती है जहाँ पे कुछ जो इनपुट होता है ना, उसमें प्लेस होल्डर होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है, इंटर योर यूजर नेम, ये प्लेस होल्डर है, जैसे मैं लिखूंगा ना वो गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ कैसे करते हैं, ये चीज़ करते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से, है ना। तो ये जो है इसको मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, प्लेस होल्डर नेम। ऐसा करने से क्या होगा कि वहाँ पे भी प्लेस होल्डर आ जाएगा, देखो नेम आ गया, काफ़ी सिंपल था। अभी आपने कई वेबसाइट में देखा होगा, जैसे यही वाली वेबसाइट ले लेते हैं, ये अपनी लॉगिन वाली, तो यहाँ पे ना लेबल है, जैसे देखो इस लेबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये इनपुट फोकस हो रहा है, इस लेबल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इनपुट फोकस हो रहा है। जैसे पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, मैं इसमें नहीं क्लिक कर रहा हूँ, पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पासवर्ड फोकस हो रहा है, देखो ये होता है लेबल टैग की हेल्प से। और ये रिकमेंडेड भी है, क्योंकि यार आप जैसे ये चीज़ जो है रिकमेंड क्यों है, ये रेडियो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप समझेंगे कि रेडियो बटन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ या फिर यहाँ पे क्लिक करूँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा लगता है। बट इसके दो फायदे हैं, एक तो ये है कि यार स्पेस बढ़ जाता है जहाँ पे क्लिक करके यूज़र जो है टाइप कर सकता है, है ना। और दूसरा ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, मैंने कुछ टाइप किया, अपना नाम टाइप किया और मैं भूल गया कि मैं क्या कर रहा था, क्योंकि मुझे कोई एक डिस्ट्रैक्शन आ गया, फिर अगर मैं वापस आऊँगा वेबसाइट में तो मुझे पूरा डिलीट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मैं क्या लिख रहा था, अगर ये लेबल नहीं है तो, ठीक है, मैं जूम करके चलो कि लेबल नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो मुझे पूरा डिलीट करना पड़ेगा, या फिर मैं कट करके रख सकता हूँ, देखूंगा कि अच्छा यहाँ पे बोला कि मुझे यूजर नेम एंटर करना है, फिर मैं यूजर नेम टाइप करूंगा, तो ये कुछ ऐसा होगा। बट उससे अच्छा है कि आप लेबल ही दे दो, ताकि अगर यूजर ने लिखा फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो गया तो उसे पूरा डिलीट करके जो है
करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे लिख लेगा, अरे वाह वाह यहाँ तो यूजर नेम लिखना है, तो फिर यूजर नेम ही वो लिखेगा, कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से, वैसे ये काफी भद्दा सा एग्जाम्पल था बट ठीक है, समझ सकते हो। तो अब यूजर नेम का तो आपने देख लिया कैसे एक टेक्स्ट होता है, अब इसमें अपन लेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेबल बनाते हैं लेबल टैग की हेल्प से। लेबल इसमें नेम दे देता हूँ मैं, मुझे नेम चाहिए। तो अभी इसको अगर मैं जाके देखूँ वहाँ पे तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये नेम है, लेकिन मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये फोकस होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे हो रहा था है ना, कि पासवर्ड पे क्लिक किया तो ये फोकस हो रहा था, बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने लेबल को बताया नहीं है इसको कौन से इनपुट को हाईलाइट करना है या फिर फोकस करना है ना। तो वो बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर एट्रीब्यूट। ये रहा हमारा फॉर एट्रीब्यूट, इसमें हम उस इनपुट की आईडी मेंशन करते हैं जिसको हमें फोकस करना है ना। जैसे हम नेम पे क्लिक करेंगे तो उस इनपुट की आईडी मेंशन करेंगे जिसको हमें फोकस करना है। तो हमने इस इनपुट को कोई आईडी तो दी नहीं है, तो चलो यार दे देते एक आईडी, इसको बोल देते आईडी नेम। आईडी क्या होती है ना, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है। अगर आपने किसी दो एलिमेंट को आईडी सेम दे दी ना, तो हो सकता है कि आपके कोड में बग आ जाए और लाइक वार्निंग्स भी आ जाती है, और वो बैड प्रैक्टिस है। आईडी हर एक एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको आईडी तो दे दी नेम, अब यही मैं इस फॉर्म में मेंशन कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं इस नेम को क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो ये फोकस हो गया, इसको क्लिक किया ये फोकस हो गया, इसको क्लिक किया ये फोकस हो गया। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको आईडी वाईडी का टेंशन लेने का नहीं है ना, तो क्या करने का, इस आईडी को डिलीट मारो, इस फॉर को भी डिलीट मारो। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो इनपुट एलिमेंट है इसको रैप कर दो लेबल में। अगर रैप कर दोगे तो क्या होगा, अरे यार उसको पता ही चल जाएगा कि मेरे अंदर जो इनपुट एलिमेंट है ना उसको मुझे फोकस करना है। अगर इतना मैं करूंगा ना, तो देखो ये फिर भी काम कर रहा है, इवन तो मैंने उसमें आईडी वाईडी कुछ दिया नहीं है ना, फॉर भी हटा दिया मैंने, तो भी ये काम करेगा। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। अब देखते हैं दूसरा, जो कि पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, और जो टेक्स्ट का टाइप है ना इनपुट का, उसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड। तो इतना, और यहाँ पे प्लेस होल्डर को भी चेंज करके पासवर्ड कर देता हूँ, और यही सेम चीज मैं यहाँ पे लेबल जो है उसको भी पासवर्ड कर देता हूँ। ये हमारा बन गया पासवर्ड का फील्ड। चलो जाके देखते हैं ये रहा। तो इस पे अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो मुझे ये दिखेगा ही नहीं, है ना, ये डॉट 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 दिखा रहा है इस तरीके से। तो अगर आपको यूजर से पासवर्ड लेना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आप हाईलाइट हो रही है एक बटन, पासवर्ड मैनेजर। आप यहाँ पे जो है सिर्फ क्रोम में या फिर आपका जो भी ब्राउजर है उसमें सेव कर सकते हैं पासवर्ड। इस तरीके से ये पासवर्ड फिल होती है। उसके बाद ईमेल आ जाता है। तो अभी क्या है ना, ये जो लेबल टैग होता है और इनपुट टैग होता है वो इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों जो है एक लाइन में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बी आर टैग देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर वो सेपरेट हो। ये हो गया मेरा एक बी आर टैग मैंने दे दिया, तो क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग लाइन पे आ जाएगा, ये रहा एक और ये दूसरा। तो अब बताता हूँ मैं ईमेल के बारे में। यहाँ पे मैं एक और बी आर टैग दे देता हूँ और ईमेल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल, यहाँ पे टाइप में आपको ईमेल लिख देना है ना। उसके बाद प्लेस होल्डर में भी ईमेल लिख दो। ईमेल में और नॉर्मल टेक्स्ट में कुछ फर्क खासा पड़ेगा नहीं पता अभी, क्योंकि हमने कोई ना ही फॉर्म वैलिडेशन डाला है और ना कुछ, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। बट वो पता चलेगा जब हम सबमिट वगैरह देखेंगे, है ना, सबमिट बटन वगैरह देखेंगे तब। तो ईमेल में क्या होता है ना, एट्रीब्यूट ईमेल का जो होता है ना उसमें एट द रेट रिक्वायर्ड होता है, अभी मैं बताऊंगा वो बाद में। तो ये इस तरीके से आप ईमेल बना सकते हैं। उसके बाद आप नंबर बना सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, नंबर करके भी एक होता है नंबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोन नंबर प्लेस होल्डर में। अब इसमें भी और, अभी ये इनपुट का टाइप नंबर है तो इसमें भी बहुत से और एट्रीब्यूट होते हैं, जिसको आप ऐसे स्पेस देके कंट्रोल स्पेस अगर दबाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट दिखेंगे, जिसमें ना एक मिनिमम और मैक्सिमम भी होता है, जहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा मैक्सिमम नंबर आप एंटर करवाना करवा देना चाहते हैं, है ना। अगर मैं जैसे यहाँ पे 99 लिख दूँ, है ना, मैक्सिमम में, तो मैं 99 के ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे देखो, वैसे तो ये जा रहा है, कैसे जा रहा है, मैक्सिमम 99। ओके, इसको शायद नंबर फॉर्मेट में मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं बढ़ाऊँ और यहाँ पे, वैसे तो ये दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी कोई बग है। प्लेस होल्डर मैक्स मैंने दे दिया है, मिनिमम को ट्राई करके देखते हैं क्या वो काम करता है। ये मिनिमम है और इसमें मैंने सपोज दे दिया मिनिमम, इसमें 2 तो होना ही चाहिए। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। तो ये अभी टाइप नहीं करने दे रहा है मुझे, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 तो होना चाहिए था। ये 2 है, और 2 के अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये 2 के नीचे मुझे जाने ही नहीं दे रहा है,
क्यों? क्योंकि मिनिमम दो होना ही चाहिए, है ना? देखो मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नीचे नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि मिनिमम दो होना चाहिए और फिर मैक्सिमम भी काम करेगा। शायद रिफ्रेश करने की सिर्फ ज़रूरत थी, अगर मुझे मैक्सिमम सिर्फ 5 रखना है कि मैं इसमें 5 के ऊपर नंबर नहीं डालने देना चाहता। तो इसने अपना विड्थ भी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है छोटा कर लिया है और मैं इसको 5 के ऊपर लेके भी नहीं जा पा रहा। तो इस तरीके से आप बहुत से एट्रीब्यूट इसमें होते हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना वैलिडेशन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कैलेंडर। तो लेबल मैंने दे दिया और ये फॉर हटा देता हूँ और इसमें देता हूँ मैं डेट। डेट पिक करना है मुझे तो डेट दे देता हूँ, डेटा लिख दिया मैंने गलती से डेट। फिर आप यहाँ पे इनपुट बना सकते हैं, एक इसका टाइप आप रखेंगे डेट, टाइप डेट। हाँ, इतना करने मात्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक डेट पिकर मिल जाएगा। इस वाले आइकन को आप क्लिक करके एक डेट पिकर, डेट वगैरह सब पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स मिलते हैं। हम यहाँ पे कोई रेडियो बटन देख लेते हैं कि रेडियो बटन कैसे बनाना है। तो रेडियो बटन बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लेबल में बना देता हूँ। सपोज लिख देता हूँ सपोज क्लास, है ना, कि कौन से क्लास में आप हो, 10th में हो या 12th में हो, वो अगर आपको चूज़ करवाना है यूज़र से। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लास बना दिया और यहाँ पे दो इनपुट में बना देता हूँ। एक इनपुट मतलब एक रेडियो जिसमें इस पे, इसको भी मैं लेबल के अंदर रैप कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है उसको बाद में, फिलहाल तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स यानी कि अपना 10th क्लास और 11th क्लास। आप 10th क्लास में हो या 11th क्लास में हो वो अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से बना दिया मैंने, देखते कैसे बना है। हाँ, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन यार यहाँ तो मैं दोनों सेलेक्ट कर पा रहा हूँ और रेडियो बटन में तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ मुझे सेलेक्ट करनी होती है। एक तो पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे BR टैग दे देता हूँ ताकि एक नई लाइन में आ जाए। ओके, ये हाँ, तो ये मैंने दे दिया BR टैग, तो ये एक नई लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से मैं कोई एक ही सेलेक्ट कर पाऊँ, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ हम कर सकते हैं यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। तो उसमें क्या करना है, आपको दोनों रेडियो बटन के जो नेम है ना वो सेम दे देना है, जिससे कि वो पता चल जाएगा उसको कि ये नेम है क्या चीज़, मतलब उसका लाइक फ्रेंड कौन सा है ना। बताता हूँ, जैसे इसमें मैंने लिख दिया क्लास, दोनों का मैंने नेम क्लास दे दिया। अभी मैं इधर आता हूँ, अब दोनों के नाम जो है सेम है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया। तो देखो दोनों में से कोई एक ही चूज़ हो रहा है और दोनों में से एक ही चूज होगा भी, क्योंकि दोनों के नेम सेम है। तो उस तरीके से वो समझ लेता है कि हाँ ये मेरा लाइक मेरा फ्रेंड है, कलीग है, और अगर ये डिसेलेक्ट हुआ तो मुझे सेलेक्ट किया जा सकता है। इस तरीके से जो है वो होता है। अभी देखो इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। इतने छोटे से रेडियो बटन को अभी देखो, ये तो बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, बट देखो अभी अगर मेरा 100% जूम है तो इतना छोटे से रेडियो बटन पे जाके क्लिक करना फॉर एनी ऐसा बंदा जिसको कोई डिसेबिलिटी है, वो बहुत ही दिक्कतदायी होगा। ऐसे इतने छोटे से जाके क्लिक करो, तो उससे अच्छा मैं चाहूंगा कि इस टेक्स्ट पे भी क्लिक करूँ ना तो वो सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ ना, लेबल जो है यूज़ कर सकता हूँ, लेबल यूज़ कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक लेबल और इसके अंदर मैं इस वाले इनपुट को घुसा देता हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे इस एक्स को मैं पहले भी लिख सकता था और बाद में लिखूँ तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब इस वाले इनपुट को भी मैं लेबल के अंदर घुसा देता हूँ, लेबल, और इसके अंदर मैंने इसको घुसा दिया और फॉर्मेट करके जो है सेव कर दिया। यहाँ पे आ गया मैं, अब इस टेक्स्ट को अगर मैं क्लिक करूँ ना, देखो मैं तो रेडियो बटन को क्लिक ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो टेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे स्विचिंग हो रही है, मतलब सेलेक्शन हो रहा है। देखो तो यही फायदा होता है यार लेबल टैग का। तो आई होप ये तो क्लियर होगा रेडियो बटन कैसे करना है। तो रेडियो बटन होता है अगर बहुत सारे ऑप्शन है और कोई भी एक ही सेलेक्ट करना है तब। लेकिन मुझे ऐसा है कि JEE का जो पेपर होता है उसमें काफ़ी सारे आंसर सही हो सकते हैं, तो चेक बॉक्स हमें वहाँ पे यूज़ करना होता है। तो हम देख लेते हैं चेक बॉक्स कैसे बनाना है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेबल में ही कि फेवरेट लैंग्वेजेस करके, हाँ फेवरेट लैंग्वेजेस ऐसा लिख देता हूँ। और एक लेबल के अंदर यहाँ पे एक इनपुट बना लेता हूँ मैं, इनपुट जो कि है चेक बॉक्स ना। चेक बॉक्स क्या करता है, हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं उसमें, है ना। जैसे अगर मैं हूँ तो मैं, मेरी फेवरेट लैंग्वेज अगर मैं पकड़ूँ तो जावास्क्रिप्ट है, सी है, C++ है, तो मैं काफ़ी सारी मल्टीपल हो सकती है ना। तो अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हैं यूज़र से तब मैं चेक बॉक्स यूज़ करता हूँ। इसका टाइप मैं दे दूंगा चेक बॉक्स, मैं लिख देता हूँ सी, फिर उसके बाद इसी को डुप्लीकेट करके C++ लिख देता हूँ, C++, फिर पाइथन या फिर जावा स्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस बन गए और फिर यहाँ पे जो है मल्टीपल ऑप्शंस को मैं टिक कर सकता हूँ, है ना।
अब ये उसी लाइन में आ गया है, तो एक बी आर टैग लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि एक नए लाइन में आ जाए। बी आर टैग मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो एक नई लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल जो है लैंग्वेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करवा सकते हैं यूजर से। अभी सेम चीज़, जैसे इस पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, फिर भी ये सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने उसको पहले से लेबल में घुसा दिया है। तो इस तरीके से जो है लेबल टैग भी हमें हेल्प करता है, और चेकबॉक्स इस तरीके से हम बनाते हैं। अब क्या बच गया है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डेट हमारा हो गया, हाँ ये है टेक्स्ट एरिया। अगर मल्टी लाइन इनपुट हमें लेना है, जैसे बहुत सारा कंटेंट हो सकता है, जैसे फीडबैक हो गया, एड्रेस हो गया, या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें हमें काफ़ी सारा उस पर कंटेंट हो सकता है, पूरा पैराग्राफ हो सकता है, उसको हम टेक्स्ट एरिया में ले सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया हमारे पास एक टैग होता है, सिंपली ऐसा अगर हम कर देंगे तो देखो इसमें कौन से एट्रीब्यूट आ गए। नेम, नेम तब आपको काम आएगा ना जब आप PHP वगैरह जैसा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा कि ये नेम हमें हेल्प करेगा उस action.php फाइल में आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके जो रिस्पॉन्सेस थे टेक्स्ट एरिया में क्या रिस्पॉन्स था, वो तब काम आएगा। वैसे अभी मैंडेटरी नहीं है, और रिएक्ट में भी आप अगर जब नोड जेएस यूज करोगे तो उसमें भी ये नेम टैग एट्रीब्यूट जो भी है वो काम नहीं आएगा ज़्यादा, बट फिर भी दे देना चाहिए। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ एड्रेस, एड्रेस। उसके बाद ID, ID कोई भी एक यूनिक आप दे सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। कॉलम्स, कॉलम्स मतलब, कॉलम्स मतलब ये कि इसमें कितने कॉलम होने चाहिए, है ना, इसमें कितने कॉलम बाय डिफॉल्ट होने चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं। और रोज, रोज मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइंस आप लिख सकेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 2, 3, मे बी 3 जो है आप लाइन इसमें लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से जो है आप बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डब्बा सा बन गया है, तो यहाँ पे 10 रोज है इसमें और 10 कॉलम है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इसमें इंटर भी मार सकते हैं आप इस तरीके से, क्योंकि ये मल्टी लाइन काम करता है। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन देख रहे होंगे, इससे आप ड्रैग कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए आपके लाइक अकॉर्डिंग, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से जो है रिसाइज भी कर सकते हैं। वैसे आप इसका रिसाइज जो है उसको शायद बंद भी कर सकते हैं, कोई एट्रीब्यूट या फिर होता है CSS की हेल्प से भी आप कर सकते हैं इसको। तो अब नेक्स्ट कौन सा है अपना, टेक्स्ट एरिया हो गया। अब ये सबमिट बटन के बारे में देखते हैं। अभी हमने रेडियो देख लिया, चेकबॉक्स देख लिया, अभी ये भी बचा है वैसे सेलेक्शन लिस्ट, उसको पहले देख लेते हैं। सेलेक्शन लिस्ट मतलब अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अगर आप कोई अभी आपने RSVP किया होगा गूगल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें भी काफ़ी सारी जो है हमें लाइक रीजन दिए जाते हैं कि आपका टाइम जोन क्या है, तो उस पर बहुत सारे टाइम जोन हमें मेंशन होते हैं। तो उस टाइप की अगर लिस्ट हमें बनानी है सेलेक्ट लिस्ट, तो आप उसके लिए जो है सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। सेलेक्ट टैग, इसमें आप नेम दे सकते हैं, ID दे सकते हैं। मैं इसमें ID दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस या फिर कोडिंग प्लेटफॉर्म दे देता हूँ, कोडिंग ऐसा लिख देता हूँ। और अभी इसमें मुझे बहुत सारे ऑप्शंस बनाने हैं, तो ऑप्शंस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा ना, ऑप्शन करके एक टैग होता है ऑप्शन टैग, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कोड फोर्सेस लिख देता हूँ, इसके नीचे जाके यहाँ पे लिट कोड लिख देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास 2 ऑप्शन बन गए। ऐसे ही आप, मैं थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि बहुत सारे ऑप्शन हमें दिख जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट लिस्ट बन चुकी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। इसको फिर आप CSS की हेल्प से और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है आपकी सेलेक्शन लिस्ट बनती है। अभी एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बतानी ये रह गई है, जो ये वैल्यू एट्रीब्यूट है ना, इसमें जो आप स्पेसिफाई करोगे, जैसे अगर मैंने कोड फोर्सेस के लिए CD लिख दिया, लीट कोड के लिए मैंने LD लिख दिया, तो बैकएंड, बैकएंड में ये चीज जाएगी, CD जाएगा। अगर तुम कोड फोर्सेस सेलेक्ट करोगे ना, तो बैकएंड में ना CD जाएगा, ना कि कोड फोर्सेस। कोड फोर्सेस सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होता है, आपको दिखाने के लिए, और बैकएंड में ये चीज आती है जो वैल्यू में आप लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा ना, तो वो आपकी गलती होगी और बैकएंड में कुछ भी नहीं जाएगा, नल जाएगा। तो इस तरीके से इसलिए बैकएंड को कुछ नहीं पता कि आपने फ्रंट एंड में ये चीज लिखी थी इसके इसके करस्पॉन्डिंग, तो आपको ना ये और ये सिंक में रखना है। यहाँ पे भी अगर आपने कोड फोर्सेस लिखा है, तो यहाँ पे भी आप कोड फोर्सेस ही लिख दो, या फिर ऐसा कुछ जो आप रखना चाहो, मीनिंगफुल होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करके अगर मैं सबमिट करूँ, तो बैकएंड में जो है ये कोड फोर्सेस जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने सारे ही लाइक अराउंड यहाँ पे भी जो भी मेंशन थे ना, वो सारे इनपुट एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पे जो है ये देख लेते हैं सबमिट बटन। तो सबमिट बटन ऐसे हम बना सकते हैं, इनपुट से ही बना सकते हैं। इनपुट में टाइप आपको सबमिट दे देना है ना, इनपुट में टाइप आपको सबमिट दे देना। अब अगर आप इतना सही करोगे ना, तो एक बटन बन जाएगी जिसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं होगा, है ना, जिसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट नहीं होगा। जैसे ये, वैसे यहाँ पे तो दिख रहा है, क्योंकि शायद टाइप अगर सबमिट दो, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको सबमिट लेता है, बट अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है, मतलब उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको आपको चेंज करना है, तो आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे ऐड, अगर मैं ऐड लिख दूँ, तो वहाँ पे वो ऐड चेंज कर देगा, बाय डिफॉल्ट सबमिट होता है।
अभी जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा ना तो रिफ्रेश हो जाएगा मेरा पेज, ये देखो रिफ्रेश हो गया, और यहाँ पे कैन नॉट गेट एक्शन डॉट पी एच पी ऐसा बोल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एक्शन डॉट पी एच पी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास, तो वो क्या कर रहा है ना, ये सारा जो डेटा है वो उधर भेज रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट में क्या होता है ना, जो यूआरएल है उसी में आ जाता है, जैसे एड्रेस मैंने कुछ शायद स्पेसेस वगैरह दिए थे तो ये जो है यहाँ पे आ गया। एक बार ट्राई ट्राई करते हैं सबमिट करके देखते हैं बाय एडिंग सम कंटेंट। जैसे मैं इसको बैक कर लेता हूँ, जैसे नेम है तो मैं नेम दे देता हूँ विदांशु, पासवर्ड में कुछ भी डाल दिया, पासवर्ड तो वैसे शायद वहाँ पे नहीं दिखता है .com, तो इस इतना मैंने डाल दिया है, और कुछ भी यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ, फ़ोन नंबर मैंने 34 यहाँ पे ऐसा कुछ भी दे दिया और इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। हाँ अभी ऐसे इनपुट्स जिनमें मैंने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया है ना, ऐसे इनपुट जिनमें हमने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया है वो नहीं जाएंगे वहाँ पे, जिनको मैंने नेम एट्रीब्यूट दिया है वही जाते हैं। तो जैसे एड्रेस का अगर मैं नेम एट्रीब्यूट हटा दूँ ना तो ये जाएगा ही नहीं, इवन तो मैंने उसमें कुछ लिखा हो। ट्राई करते हैं सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो बेसिकली सिर्फ कोडिंग जा रहा है और कोड फोर्सेस लिख के आ रहा है, कोडिंग कोड फोर्सेस। ऐसा क्यों? क्योंकि बैक जाता हूँ, कोडिंग कोडिंग, हाँ ये सेलेक्ट लिस्ट का सिर्फ जा रहा है, ये बाकी सब नहीं गया, ये भी तो जाना चाहिए था। कोडिंग सिर्फ कोड फोर्सेस जा रहा है, नेम नहीं जा रहा है, क्योंकि हो सकता है मैंने उसमें नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया है। हाँ देखो मैंने इसमें नेम एट्रीब्यूट दिया ही नहीं है इसलिए नहीं जा रहा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अभी ये जो सबमिट करने पे ना आपका रिफ्रेश हो जा रहा है पेज, फिर आप जब रिएक्ट में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको पता है कि यार वहाँ पे तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है और वहाँ पे तो कोई रिफ्रेश वाला सीन नहीं होता, तो आपको फिर ये जो रिफ्रेश वाला इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना इसको प्रिवेंट करना पड़ता है। तो वो सब आप जब फॉर्म हैंडलिंग पढ़ोगे रिएक्ट में ना तब आपको वो सब पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा फॉर्म भी जो है कवर कर लिया है, मुझे तो नहीं लगता हमने कोई यहाँ पे छोड़ा है फॉर्म में, और बहुत सारी एलिमेंट है वैसे तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है नाउ अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है आई फ्रेम के बारे में। जैसे अगर आप हमारी जीडीएससी जीजीआरसी की वेबसाइट पे जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जीडीएससी जीजीआरसी की वेबसाइट, जीडीएससी ये देखो ये हमारी जीडीएससी जीजीआरसी की वेबसाइट है। अब यहाँ पे ना एक वीडियो सेक्शन है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको जो भी हमने यूट्यूब में वीडियोज डाल रखे ना वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मैं सबसे नीचे वाला वीडियो उठा लेता हूँ, डीएससी जीजीआरसी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो आप देखेंगे कि ये वाला वीडियो जो है ना यहीं पे चल गया, इसने मुझे कहीं पे यूट्यूब पे या फिर कहीं पे और रिडायरेक्ट नहीं किया, ये जो है यहीं पे चल गया है ना। तो ये ऐसे ये कैसे हो गया? ये हो गया है एम्बेड किया हमने, ये जो यूट्यूब का वीडियो था उसको यूट्यूब से एम्बेड किया है। तो अब ये कैसे करना है? ये होता है आई फ्रेम टैग की हेल्प से। आई फ्रेम का मतलब होता है जो भी हमारी वेबसाइट है ना उसमें हम कोई दूसरी वेबसाइट को भी एम्बेड कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे यूट्यूब वीडियो को हमारे वेबसाइट में एम्बेड करके देखेंगे। ठीक है तो सबसे पहले मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, ये वो YouTube का वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है तो यहाँ पे ये शेयर वाला बटन होता है, इसको कर लेना आपको क्लिक। एक सेकंड में इसको बंद कर दूँ, शेयर वाले बटन को कर लेना है क्लिक। तो यहाँ पे आपको एम्बेड का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको आई फ्रेम का पूरा प्री रिटर्न कोड मिलेगा। ठीक है अब यहाँ पे कुछ कॉन्फिग्रेशन कर सकते हैं, जैसे आपको कंट्रोल दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं वो सब, तो मुझे दिखाने हैं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, बस कॉपी पेस्ट ही करना है। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे आई फ्रेम लिख देता हूँ, कमेंट भी कर देता हूँ आई फ्रेम। ठीक है और इसको डबल करके इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये वीडियो जो है ना मेरे वेबसाइट में आ जाएगा। ये रहा मेरा वेबसाइट और यहाँ पे देखो यूट्यूब का वीडियो भी आ चुका है। इसको मैं चला भी सकता हूँ, कंट्रोल से म्यूट कर सकता हूँ, जितने भी कंट्रोल है वो सारे यहाँ पे मौजूद है। इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन करने से आप रोक भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा अलाउ, क्या क्या चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। एक्सेलेरोमीटर होना चाहिए, यानी कि वो शायद वो जो आपका ये होता है ना स्क्रॉल बार टाइप जिससे आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये चीज़। उसके बाद अलाउ फुल स्क्रीन मैंने दे रखा है, इसका मतलब है कि यूज़र को मैं फुल स्क्रीन करने देना चाहता हूँ। अगर मुझे नहीं करने देना है तो उसको मैं फॉल्स कर दूंगा, अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ तो यूज़र इसको फुल स्क्रीन नहीं कर पाएगा। अच्छा रुको एक सेकेंड, ये शायद ऑप्शन दे रहा है अभी भी, अलाउ फुल स्क्रीन फॉल्स, फॉल्स तो किया है भाई मैंने, इसको नॉर्मली फॉल्स करके देखते हैं इस तरीके से, ये अभी भी दे रहा है। एक काम करते हैं इसको चीज़ को रिमूव कर देते हैं, मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट जो है अलाउ फुल स्क्रीन फॉल्स होता होगा। तो अभी देखो ये डिसेबल्ड हो गया है और मैं फुल स्क्रीन कर भी नहीं पा रहा हूँ, देखो फुल स्क्रीन इज अनअवेलेबल। तो इस तरीके से जो है आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया आप कैसे एक यूट्यूब वीडियो को ना इम्बेड करते हो अपने लाइक वेब पेज में। अभी हम देखते हैं कि कोई दूसरी साइट को
हमारे साइट में कैसे इम्बेड करना है, वो चीज़ भी हम आई फ्रेम की हेल्प से कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग लिख देता हूँ। यहाँ पे भी एक SRC एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है सोर्स उस वेबसाइट का, जिस वेबसाइट को मुझे अपने वेबसाइट में इम्बेड करना है। फिर ये हो गया फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर मतलब जो भी आपने इम्बेड किया है उसको भी बॉर्डर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 1 दूँ ना वहाँ पे, मतलब फ्रेम बॉर्डर 1 पिक्सल दे दूँ, तो वहाँ पे ना एक बॉर्डर आ जाएगी। ये बिल्कुल टेबल का जो बॉर्डर एट्रीब्यूट था ना उसी की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ना मैं अपने GDC GCRC की वेबसाइट जो है उसका URL दे देता हूँ। तो ये मैंने जो है इसमें दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे। यहाँ पे छोटी सी जो है एक फ्रेम में जो है मेरी GDC की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी छोटी दिख रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ से विड्थ दे सकते हो, विड्थ मैं इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल। और यहाँ पे एक BR भी लगा देता हूँ। आई फ्रेम भी एक इनलाइन एलिमेंट है क्योंकि वो उतनी स्पेस ले रहा है जितना उसको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी 500 और हाइट भी दे देता हूँ लाइक अराउंड 600 दे देता हूँ। ठीक है, तो इतना करने मात्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारी GDC की वेबसाइट जो है यहाँ पे खुल गई है। आप यहाँ पे फुल्ली वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये फुल्ली वर्किंग है। आप यहाँ पे इसको यूज़ भी कर सकते हो इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से जो है आई फ्रेम काम करता है एक साइट में दूसरी साइट को इम्बेड करने के लिए। अब ऐसी कुछ साइट होती है जो नहीं चाहेगी कि उनकी साइट को आप अपने साइट में इम्बेड करें, जैसे google.com अगर है ना। अगर मैं यहाँ पे google.com अगर टाइप करूँ तो ये जो है ये मुझे इम्बेड करने की परमिशन नहीं देता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके। जैसे आई फ्रेम मैंने किया और यहाँ पे मैंने वो सोर्स दे दिया, और यहाँ पे सेव करके यहाँ पे ट्राई करता हूँ जाने की ना इधर। तो यहाँ पे देखो www.google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा रहा और आपने अपने वाले वेबसाइट में गूगल की जो सर्च इंजिन है उसको इम्बेड कर दिया, तो फिर तो लोग क्यों जाएंगे गूगल पे, वो आपकी साइट पे आ जाएंगे अगर आपकी साइट पॉपुलर हो गई तो। मतलब ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए गूगल ने रिफ्यूज कर दिया है कि मेरे साइट को कोई भी एज एन आई फ्रेम के तौर पर इम्बेड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है हमारा आई फ्रेम काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस था आपने अभी जो है पूरा मतलब हमने कवर ही कर दिया है। यहाँ पे भी मैंने गलती से टेबल लिख दिया है, यहाँ पे मुझे आई फ्रेम लिखना चाहिए था। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा सिलेबस जो है कवर कर लिया है। आपने पूरा पढ़ लिया है, बेसिक पढ़ लिया है, इंटरमीडिएट पढ़ लिया है और एडवांस भी पढ़ लिया है, जिसमें आपने आई फ्रेम देखा क्या होता है, टेबल कैसे बनाते हैं, लिस्ट, ये सब चीज़ें जो है हमने सारी देख ली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर सेल्फ, क्योंकि आपने जो है अभी पूरा बेसिक्स जो है सब कुछ सीख लिया है और आप एक बेसिक HTML जो वेबसाइट होती है वो बना सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग HTML बाई योर सेल्फ। यू आर नाउ अवेयर अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ HTML एंड यू कैन यूज दोज टू बिल्ड द बेसिक वेब पेज। थैंक यू सो मच। अगर Guys, if you have a doubt, you can ask him and you can unmute yourself and appreciate him for what he's done because I'm damn sure you wouldn't get one shot HTML video like this. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अभी यार अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। और आपको अगर कुछ फीडबैक भी देना है कि अगर पढ़ाने में कोई पसंद नहीं आया होगा कोई पार्ट, या फिर आपको सपोज कोई और वे में पढ़ाऊँ मैं ऐसा लगता है, तो आप कुछ भी फीडबैक जो है दे सकते हैं, आपको जो भी फीडबैक है। Sir, it was amazing. थैंक यू, Actually. थैंक यू, थैंक यू। कोड कहाँ मिलेगा? ओके आस्था, हमारा जो GDC का गिटहब अकाउंट है ना, हम वहाँ पे जो है रिपोजिटरी बना के वहाँ पे कोड को होस्ट कर देंगे और आप ग्रुप में जो है ना लिंक शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप इस कोड को भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके ओके, थैंक यू प्रणव। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो या फिर कुछ पार्ट समझ में नहीं आओगा ना, तो आप अभी भी बोल सकते हैं, हम यहीं पे अभी जो है एक्सप्लेन कर देंगे उस पार्ट को। ठीक है, थैंक यू अंकुश। टू बेसिक नोट्स और ऑफ टुडे सेशन। देखो यार नोट्स तो मैंने बनाए नहीं है, मैं एक काम कर सकता हूँ कि आपको ये PPT जो है ना ये शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। या फिर एक मैं काम करता हूँ, जो मैंने कोड लिखा है ना उसी के साइड में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप दे देता हूँ कि ये कंटेंट जो मैंने लिखा है वो क्या चीज़ करता है। ठीक है, और वो आपको फिर गिटहब पे ही मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा? पार्थ कनौजिया चलेगा ना? हाँ यार, क्योंकि 1 घंटे में इतना बड़ा कंटेंट जो है कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फास्ट हो गया, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा ना तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन HTML एंड सिमेंटिक HTML, देखो HTML जो है वो नॉर्मल जो था पहले, HTML 4 जो था उसमें क्या था ना, वो ऐसे टैग्स थे जैसे डिव और स्पैन हो गया, वो तो अभी HTML 5 में भी एग्जिस्ट करते हैं, पर जो प्रीवियस था उसमें हमें समझ भी नहीं आता था कि वो टैग करते क्या है। तो सिमेंटिक का मतलब बस इतना सा होता है कि ऐसा ऐसा टैग जिसको जिसको रीड करके समझ में आ जाता है अपने को कि यार वो टैग करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेडर टैग हो गया, तो यार उसमें पढ़ के मुझे समझ रहा है यार कि हेडर जो है, टैग जो है उसको मैं हेडर बनाने के लिए यूज करता हूँ। और दूसरा हो गया अपना नेविगेशन बार, तो उसमें नैव टैग आता है, तो उसको नाम पढ़ के ही मुझे पता चल रहा है कि वो नेविगेशन बनाता है। तो सिमेंटिक HTML मतलब HTML 5 जिसमें ऐसे टैग्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका नाम पढ़ते ही मुझे पता चल जाता है कि वो टैग करते क्या है। और नॉन सिमेंटिक HTML या फिर नॉर्मल HTML जो था वो HTML 4 था जिसमें ऐसे टैग्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जिनको पढ़ के, जिनका नाम पढ़ के समझ में आ जाए कि ये करते क्या है। तो ऐसा कुछ सीन है। हाँ, और ये चीज़ की ये जो सेशन हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। नेक्स्ट सेशन होगा वेडनेसडे को, 1 वीक में 2 सेशन, एक सैटरडे को एक वेडनेसडे को, और ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि अब तुम्हें पता है यार कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। थैंक यू आयुष। SQL, देखो यार SQL जो है ना वो क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस की, तो उससे तुम रिप्लेस तो नहीं कर सकते। उसमें कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की फाइल होनी चाहिए, जैसे action.php जो है वो एक PHP का फाइल है। तो जैसे ही आप कुछ जो भी डेटा आपने इंटर किया है तो सबमिट करने के बाद क्या होगा ना, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखी हुई जो फाइल होगी PHP की, तो उसमें वो डेटा चला जाएगा। फिर उस डेटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। PHP में काफ़ी सारे वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, उसके हेल्प से आप जो है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो जो डेटा है फिर वो आप डेटाबेस में कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप SQL की क्वेरी नहीं लिख सकते वहां पे। ठीक है, ब्रीफिंग अबाउट EJS एंड PUG 2 इन द कमिंग लेक्चर्स। देखो यार एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट और पग के बारे में तो नहीं बताने वाले क्योंकि ये हमारी जो है ना ये बूट कैंप फ्रंट एंड के लिए है। हो सकता है हम इस बूट कैंप में अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, अच्छे अच्छे जो है हमारी स्ट्रेंथ मिलती है, तो हम बैक एंड के ऊपर भी एक बना दे बूट कैंप, तो तब हम वहाँ पे EJS और आपको पग के बारे में बता रहे होंगे। फिलहाल तो ये फ्रंट एंड का है, तो इसमें हम सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और हमारा रिएक्ट जेएस जो लाइब्रेरी है उसके बारे में, और थोड़ा बहुत गिटहब के बारे में जो वर्जन कंट्रोलिंग है वो सब हम बता रहे होंगे। हाँ, अंकुश, नेक्स्ट सेशन CSS पे होगा। CSS पे 2 सेशन होंगे क्योंकि CSS थोड़ा बड़ा है ना। HTML में अभी तुम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, W3 की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है उन्होंने, हर टैग का हर एट्रीब्यूट के बारे में उन्होंने बहुत सा बता दिया है। और लिटरली बताओ तो मुझे भी याद नहीं रहते ये सारे एट्रीब्यूट और टैग्स वगैरह, क्योंकि यार इतना सारा कंटेंट है कैसे याद रहेगा। तो आप गूगल करने में झिझकिए मत, आप आराम से जो है गूगल कर सकते हैं। अगर आप कोई हैकेथॉन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमने भी SIH में किया था, तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि आप गूगल नहीं कर सकते, आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो याद रखना जरूरी नहीं है, बस हाँ एक बात रखना कि अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि तब आप गूगल नहीं कर सकते, वो जो पूछेगा आपको बताना पड़ेगा, कुछ भी बता कुछ भी पूछ सकता है वो, इसीलिए। ठीक है, तो ओके, मुझे नहीं लगता अभी और कोई डाउट्स है, अगर होंगे तो आप डायरेक्टली ग्रुप में पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली वो ग्रुप तो यार 24/7 चालू ही रहता है, और अगर आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं ग्रुप में, वो भी उस जो आपका डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी गेट करना, ये जो टॉपिक्स है ये काफ़ी, मतलब ये जो सवाल है ना ये इस वाले जिस जिस चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं उससे काफ़ी अलग है, बट फिर भी यार इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लिंक्डइन के टिप्स के लिए आप अपनी कक्षा पे जो अपनी श्रद्धा दीदी जी है उन्होंने काफ़ी अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा रेफरेंस लेके जो अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हो, और लिंक्डइन से काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज, जैसे मुझे भी मिले हैं, बट मैंने नहीं किया अभी क्योंकि यार थोड़ा और स्ट्रांग करना है कंसेप्ट, तो उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह के लिए जाएंगे, तो लिंक्डइन से आपको मिल जाएगी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। वैसे अभी फिलहाल जो है लिंक्डइन का प्रीमियम चल रहा था, फ्री में मिल रहा था, तो अगर आपने अगर उसके लिए सब्सक्राइब कर लिया है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिर उसमें तो जॉब के जो सजेशंस और रिकमेंडेशन वो सब आते रहता है, और इंटर्नशिप का भी। दिशांत डोंगरवार, ठीक है, तुम्हें कुछ पूछना है पूछ लो, अगर पूछना है तो।
ओके एंड मुझे जिसने भी मुझे भी आपको रजिस्टर पूछना नहीं है किया उससे। हुआ है बूट कैंप के लिए थ्रू कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, प्लीज रजिस्टर कर लो। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन यू विल ओनली गेट इफ यू रजिस्टर थ्रू द कम्युनिटी पेज, सो प्लीज हाँ रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। हाँ शैलेश ठाकुर तुम्हें कुछ पूछना है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है बोलो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे से यू नो टेकन द यू नो वन ऑफ द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ 2023 सो फार। ट्रस्ट मी, एचटीएमएल को आपने 1 से 1.5 घंटे में यू हैव लाइक ब्रोकन इट डाउन टू इट्स मोस्ट फंडामेंटल और बेसिक्स। क्लैरिटी अटमोस्ट हो गई है इस बेसिक यू नो फंडामेंटल्स के ऊपर, एचटीएमएल हाँ के स्पेशली। एक क्वेश्चन था, मैंने मीनवाइल बीच में डाला था कि भैया आई फ्रेम और ये एंकर टैग के ऊपर की मतलब दोनों के बीच में यू नो कैसा डिफरेंसेस क्या है, कैसे करके मतलब थोड़ा एक आई जस्ट टोल्ड यू टू यू नो आई आस्क्ड यू बेसिकली यू नो टू टेक अस थ्रू एन इंस्टेंस एंड शो अस बेसिकली कि हाउ डज दिस यू नो दीस टू आर यू नो डिफरेंशिएटिंग ईच अदर व्हेन इट कम्स टू टैग और व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटिंग द पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड। ओके एंड तो मैंने बोला था, बट फिर मीनवाइल आप आई थिंक आई फ्रेम के बारे में आपने लास्ट में बताया, तो कहीं हाँ कहीं पार्शियली वो कवर हो गया है। अगर इन केस नेक्स्ट टाइम अगर आप सीएस वाले इसमें सीएसएस वाले इसमें लेंगे तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेना, जिक्र कर लेना और कुछ आई देखो थिंक। अभी जिस तरीके से तुमने बोला कि सेशन क्लियर है, तो उसमें जैसे मैंने पहले एंकर टैग के बारे में बताया और फिर आई फ्रेम के बारे में बताया, आई तो फ्रेम, हाँ हाँ तो उसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि एंकर टैग का आप यूज करते हो एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए, इन अ वे कि आप पहले वेबसाइट में जहाँ पे भी आपने एंकर टैग यूज किया है उसके अंदर जो भी आपने हाँ टेक्स्ट लिखा है उस पर जैसे क्लिक करेंगे अच्छा तो आप दूसरे पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे, है ना। अच्छा और मतलब बेसिकली इसमें लिंक वगैरह कुछ ऐसे इम्बेड करने को रहेगा अपने को, तो यूज करते हैं अपन आईफ्रेम का ऐसा क्या? हाँ, तो आई फ्रेम इसलिए हम यूज करते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें अगर हमें कोई दूसरे वेबसाइट का पार्ट इम्बेड करना है या फिर अपने ही वेबसाइट का कोई दूसरा पेज इम्बेड करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इसमें लाइक वेबसाइट तो कनेक्ट हो रही है बट इन अ वे कि हमारी वेबसाइट में भी वो वेबसाइट आ रही है, मतलब तो दोनों हाँ वेबसाइट में सर। ओके ऑलराइट हाँ गॉट क्लियर है ना, हाँ अगर हाँ नहीं क्लियर है है तो नो फिर भी इश्यूज। देखेंगे सीएसएस वाले, अगर इसमें टाइम मिलता है तो हाँ इसमें हाँ थोड़ा थोड़ा सा सा करा के एक दो दिखाएंगे। इंस्टेंस लेके बता देंगे आप तो फॉर श्योर क्लियर, कोई इशू नहीं। हाँ श्योर ठीक है ना, फिर वो नेक्स्ट सेशन में और करेंगे। ओवरऑल सेशन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सीमलेस था, काफी मजा हाँ आया, थैंक एंजॉय करके। यू थैंक थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कोई डाउट तो नहीं दिख रहे क्योंकि हैंड रेज नहीं है, तो अभी अपन सेशन एंड कर सकते हैं क्योंकि 3 से 4 का था बट एक्सटेंड हो गया काफी ज्यादा। बिफोर वी एंड विदांशु एक बार स्क्रीन शेयर करके लिंक ट्री शेयर दिखा दो, एंड चैट में सारी लिंक्स हम शेयर कर रहे हैं हाँ ऑफ हाँ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक्जेक्टली विदांशु भी एक और चीज, जब आप हैंड्स ऑन करवा रहे हैं इसके ऊपर तो कोड आई नो कि मतलब अगर आप कोड शेयर करेंगे हम लोग के साथ में और हम लोग अगर आपके साथ साथ एडिट करना स्टार्ट करेंगे तो दैट विल यू नो रिटार्ड द मोशन ऑफ योर लाइक द टीचिंग और जो शेयर कर रहे हो आप, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट हम लोगों के लिए फॉर अ बेटर विजुअलाइजेशन वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप जो कोड बेसिकली आप स्क्रिप्ट करके एडिट करते हो और हम लोगों को दिखाते हो ना शो करके, अगर वो हम लोग को हाँ अवेल हो जाए हम साथ साथ करें थोड़ा बहुत भी, अगर अपन माना कि मैंने पेज को अगर मैंने लेबल नहीं कर पा रहा हूँ आप जो पढ़ा रहे हो उसके, बट स्टिल अगर एक दो कोड भी अगर अपन मैनेज करके टैग करके और परफॉर्म करके देख रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, इनकेस अगर कोई एरर थ्रो होता है मीनवाइल तो वो भी अपने को यू नो एज एन डॉट पूछने को मिल सकता है, तो थोड़ा ज्यादा हाँ बेहतर तो तुम होगा बोल रहे हो कि लाइक कोड इनका अलाउ नेक्स्ट होना टाइम। चाहिए। हाँ तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम अगर इफ इट्स बीइंग पॉसिबल देन प्लीज डू इट, हाँ नथिंग। हाँ ठीक है। ओके बेसिकली यार कहना ये जो लेक्चर्स है ना उसमें काफी कम टाइम मिल रहा है, तो उस वजह से उसमें कोड अलॉन्ग भी साथ साथ कर पाना ना थोड़ा मुश्किल हाँ हो रहा है, थोड़ा टाइम तो मुझे ना हम प्लान कर रहे हैं कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स को थोड़ा ऑफलाइन रखने की कॉलेज में, तो मे बी तब हम कोड ऑब्वियसली यार प्रोजेक्ट के टाइम पे तो कोड अलॉन्ग ही होगा, तो सेशंस में थोड़ा ट्राई करेंगे कोड अलॉन्ग हाँ करने कुछ की स्पीड थोड़ा डिक्रीज करने की। ठीक है ओके मैंने जिस स्पीड से पढ़ाया वो काफी फास्ट था, फिर भी देखो 2 घंटा लग गया पढ़ाने में, तो इस टाइम जो है ना 1 घंटे में इतना सब जो है ना हो ही नहीं पाता, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन से कि कोड अलॉन्ग हो पाए उतना स्पीड से पढ़ाए। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे आप ये जो GDSC GRC की वेबसाइट है ना यहाँ पे जा सकते हैं, इसके लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, और यहीं पे आपको लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक जो है वो मिल जाएंगे। ये लिंक भी है यहाँ पे, गिटहब है, उसके बाद इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड यूट्यूब सारे हैं, और इसमें हम ट्विटर वगैरह भी ऐड कर देंगे तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा।
ठीक है, ओके देन। You guys can leave the session. थैंक यू। अच्छा अच्छा एक्चुअली मेरे जो भैया है ना उनका भी नाम सुधांशु है। Nothing more from my side. Already we have taken lot time off everybody, so you guys can leave. See you all in the next session. Bye bye. Thank you so much all.